नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जोटिक एस्ट्रोलॉजी पे। और आज हम चर्चा करेंगे कि 5 नवंबर को हमारे गुरु महाराज, जो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, जब वो अपने मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे 2019 5 नवंबर, तो उस समय आपके जीवन में क्या होगा। और इस वीडियो को मैंने थोड़ा अलग टाइप से बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि पिछले साल मैंने क्या किया था, बस ये बता दिया था कि गोचर कहाँ हो रहा है। लेकिन इस बार मैं हर एक राशि और लगन के लिए ये भी बताऊंगा कि आपके किस तरह के दशाएं हैं, तो किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो होता है वो दशा बताती है, वो गोचर नहीं बताती है। गोचर इसके ऊपर हम उसका प्रयोग करते, दशा के ऊपर, ताकि हमको वो बेहतरीन टाइमिंग मिल सके। ठीक है, तो जो भी इवेंट, जो भी घटना आपके लाइफ में, जीवन में होती है, वो दशा के अंदर दिखाई देती है, विंशोत्तरी दशा या योगिनी दशा या जो भी बोली। तो आज सारे लग्नों पे हम चर्चा करेंगे, और ये आप अपने चंद्र राशि से भी देख सकते हैं या लगन राशि जो है उससे भी देख सकते हैं। और आजकल क्योंकि जो जगत है बहुत भौतिक होता जा रहा है, तो इसीलिए आजकल लगन से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चंद्रमा से भी देखना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा से आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरे आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और आपके मन को आपके आसपास जो आपके लोग हैं वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आप चंद्रमा से देख सकते हैं, जिसको राशि कहते हैं या चंद्र राशि बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए कि किससे देखना है, दोनों से आप देखिए तो दोनों से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे नीचे जा सकते हैं मेरे से कंसल्टेशन बुक करने के लिए। और हाल ही में मैंने अष्टक वर्ग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो उसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया और उसको उसकी बहुत तारीफ की, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और इसलिए मैंने अपने वेबसाइट पे अष्टक वर्ग का एक नया कंसल्टिंग ऑप्शन भी डाल दिया है। और ये गुरु का जो वीडियो है, ये मैंने अंग्रेजी में भी बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो अगर आपने अंग्रेजी में नहीं देखा है तो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गुरु का ये गोचर क्या करेगा हमारी जिंदगी में, तो राशियों में जाने से पहले हम थोड़ा इस पे चर्चा कर ले कि ये गोचर है क्या और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गुरु का गोचर आपको पता है कि साल में एक ही बार होता है, 12-13 महीने के आसपास, तो गुरु का गोचर बहुत जरूरी होता है। और गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इसी कारणवश गुरु जो है आपके आसपास की जो परिस्थितियां है ना, उसमें बेहतरी ला देता है गुरु। और आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, अंग्रेजी में जिसको एम्बियंस बोलते हैं, वो एम्बियंस बेहतर कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी गुरु गोचर करता है, उस घर से संबंधित जो भी व्यक्ति दर्शाता है, जैसे दूसरा घर हो गया आपका, कुटुंब हो गया, आपका घर हो गया, वो तो आपका परिवार हो गया, तो अगर किसी का गुरु दूसरे स्थान में जाता है, तो इसका ये अर्थ होता है कि उसके घर का जो माहौल होगा उसमें वो काफी बेहतर हो जाएगा पहले से। और तीसरे में जाता है तो भाई बहनों से, उसका जो छोटे भाई बहन है उनसे उनका आपका संबंध बेहतर हो सकता है। सातवें में जाएगा तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, या अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पति या पत्नी से संबंध अच्छे हो जाए। तो ये गुरु का नैसर्गिक प्रभाव होता है। और गुरु जो आप जानते हैं कि दूसरे, पांचवे, फिर सातवें, फिर नौवे और ग्यारहवें घरों का कारक है ये। लगभग कितने सारे घरों का कारक हो जाता है गुरु ना, पूरे हमारे कुंडली में। तो इसलिए गुरु जो है सारी अच्छी चीजों को दर्शाता है। जैसा दूसरा भाव हमारा हमारा घर हो गया, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको दर्शाता है।
फिर पांचवा घर आप जानते ही हैं, और दूसरा घर मैं बोलना भूल गया, वो पैसे का भी है, वो धन का भी है, संचित धन, ज्ञान का भी है वो। और पांचवा घर आप जानते हैं, वो बुद्धि का है, वो बच्चे का घर है, वो दीक्षा का घर है, प्रेम का भी घर है वो। फिर सातवा घर वो आपके विवाह का है, फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स भी देखा जाता है सातवें घर से। जो भी काम आप दूसरों के साथ करते हो वो सातवें घर के अंदर में आता है। उसके बाद नौवा घर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो आपका पिता से संबंध है, आपके गुरुओं से जो ताल्लुक है, जो जिसको उच्च शिक्षा बोलते हैं ना, PhD, मास्टर्स, ऐसी शिक्षाएं भी नवे घर से देखी जाती है ना। आध्यात्मिक ज्ञान, आपके आध्यात्मिक रुझान कितना है आपका, तो उसको आप नवे घर से देख सकते हैं। और फिर एकादश तो आपको पता ही है, वो 11वां घर जो लाभ भाव है, किसी भी चीज का लाभ, वो खाली पैसा या घर या बच्चे का लाभ नहीं, किसी भी घर का लाभ। जब कोई भी घर एकादश से जुड़ जाता है तो उस घर से संबंधित हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरु जब भी किसी घर में गोचर करता है तो यू मानिए कि ये सारे पांचों घर उस घर में समा जाते हैं। तो उस घर में ऐसा लगता है कि आपका कोई घर वाला है ना, क्योंकि दूसरा घर है। फिर आपको लगता है कि वहां प्रेम है, पांचवा। फिर आपको लगता है वो जैसा आपका उस घर से शादी हो गया है, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गया है। फिर आपको वहां से ज्ञान भी मिलता है, फिर आपका वहां से इच्छा पूर्ति भी होता है, जो एकादश है। तो ऐसा समझ लीजिए। तो इसलिए गुरु का जो गोचर है बहुत बहुत जरूरी है, और ये हमेशा देखा गया है कि गुरु जब दूसरे या सातवें या 11वें घर में गोचर करे, और अगर दशा आपकी, आपका विवाह का योग बता रहा है तो विवाह हो जाता है, ऐसा बहुत 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 बार देखा गया है। और गुरु जो है अभी 12 साल बाद धनु राशि में प्रवेश करने वाला, तो गुरु जैसा एक राशि में 1 साल रहता है, तो धनु राशि में फिर 12 साल बाद आएगा। ये 12 साल पहले धनु राशि में आया था, 12 11 जो भी बोल लीजिए। तो धनु राशि आप जानते हैं जो नैसर्गिक नौवा घर है, 9th हाउस जिसको बोलते हैं हम, और वो गुरु अपने जब मूल त्रिकोण राशि है, तो गुरु का जो दो राशि है, एक धनु राशि है जो मूल त्रिकोण है, और दूसरा मीन राशि है जो उसका स्व राशि बोला जाता है। और गुरु का उच्च स्थान जो है कर्क राशि, और नीच स्थान जो है वो मकर राशि है। तो गुरु जो कर्क में उच्च का होता है, मतलब कर्क में गुरु से के संबंधित जितने भी कारकत्व है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने का संभावना रहता है, और जो मूल त्रिकोण है वो उसके नीचे का स्तर होता है, मतलब कि दूसरा स्तर माना जाता है। तो ऐसा सोच लीजिए, सेकंड प्राइज ऐसा सोच लीजिए। तो मूल त्रिकोण बहुत ही ताकतवर एक राशि होता है किसी भी ग्रह के लिए, और खासकर धनु राशि, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे धनु राशि का बहुत रुझान होता है। नैसर्गिक तरीके से आप देख सकते हैं, कोई भी धनु राशि का आदमी आप मिलेगा तो कोई भी बड़ी चीज या धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित कोई भी चीज पे आप बातें करिए तो उस आदमी को इंटरेस्ट आ जाएगा, आप ये जरूर देखिएगा। उसके बाद धनु राशि जो है आपका नौवा घर है, तो पढ़ाई, PhD, मास्टर्स, ये सब से भी संबंधित चीजें, रिसर्च वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और धनु राशि गुरु का एक तरीके से सबसे प्रमुख राशि है वो, क्योंकि वो गुरु का वो भी स्वय राशि है उसका, ठीक है। तो वो गुरु को दिखाता है, गुरु मतलब हमारे जो गुरुदेव है उनको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके जो गुरुदेव है तो उनको जाके नमन करिए, उनका उनका आपका जो सिर है उनके माथे में लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे धर्म ज्ञान आध्यात्म की बातें सीखिए और उनसे प्रेरणा लीजिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। वही नवा घर है, गुरु से प्रेरणा लेना और दूसरों को प्रेरणा देना, ये नवा घर है। और नवा घर भगवान का है भी है, जैसा आप जानते हैं गुरु और भगवान एक ही लाइन में है। तो ये और भी बहुत अच्छा टाइम है कि हम आध्यात्मिक चीजों पे, हम आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को ऊपर लेते जाए, भौतिक चीजों से परे होके। जैसा हम कोई मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो वो करना शुरू कर दे ना, नवंबर 5 के बाद से,
और भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ आप पढ़ना शुरू करें तो भी वो काफी बेहतर होगा। और अगर आप शुरू करना चाहते तो मेरे चैनल पे भी भागवतम और भागवत गीता के दो दो प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। और आध्यात्मिक जगह पे आप जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, हरिद्वार, साउथ में तो आप कांचीपुरम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उड़ीसा में तो जगन्नाथ पुरी जाइए, अगर आप इटली में है तो आप वेटिकन में जाइए, आप कहीं भी जाइए, कोई भी धार्मिक स्थल है वहां पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और नवा घर जो आपको पता है वो लंबी दूरी का भी है, तो आप किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। तो ये जो समय है अभी नवंबर से दिसंबर 2020 तक का, ये जो पूरा 2020 का जो साल है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत 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 ही शुभ है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कीजिए इस समय का, और इसको ऐसे ही आप बर्बाद मत कीजिए टीवी देख के या मूवी देख के। आध्यात्मिक चीजों पे आप ध्यान लगाइए, जो भी आपके आपकी समस्याएं है उसको उसका उसको सुलझाने की कोशिश करिए भौतिक स्तर पे, और अपने आत्मा को आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाने का कोशिश करिए। गुरु से मिलिए, गुरु की वाणी सुनिए, फिर गीता और भागवतम का आप श्रवण करिए, कुरान और बाइबल भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और आध्यात्मिक जगहों पे जाइए, आध्यात्मिक लोगों से मिलिए, ठीक है। तो ये हो गया, एक जनरल बात हो गया ये सबके लिए। और उसके बाद हम दशा पे आते हैं, ठीक है। तो दशा जो है वो आपके जन्म के समय आपके जो आपका जो नैसर्गिक आपका जो कुंडली है उसके अनुसार आपकी दशा फिक्स हो जाती है, मतलब कि आप इस टाइम भी कोई ना कोई दशा आपकी चल रही है, ठीक है। तो जिंदगी में जो भी होता है वो दशा के अंदर वो होगा, तभी वो आपके जीवन में होगा, वरना दशा में नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जैसे आप विंशोत्तरी दशा जानते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा विंशोत्तरी दशा का ही बातें करूंगा जब मैं राशियों पे जाऊंगा। तो विंशोत्तरी दशा में जैसा महादशा होता है, अंतर दशा होता है, प्रत्यंतर दशा होता है। तो मान लो किसी आदमी का दूसरे घर की महादशा है और सातवें घर का अंतर दशा और ग्यारहवें घर का प्रत्यंतर चल रहा है, और उसका गुरु दूसरे सातवें और ग्यारहवें में अभी करंट टाइम पे ट्रांजिट करे, गोचर कर दे, ठीक है, तो हो सकता है उसकी शादी हो जाए। या पांचवे ग्यारहवें की दशा चल रही है और फिर दूसरे पांचवे में जाए तो हो सकता है उसका यहाँ घर में नया बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जो दशा है वो क्या बता रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि गोचर क्या बता रहा है। लेकिन हम क्या करते, उल्टा करते हैं, हम पहले देखते गोचर क्या कर रहा है फिर दशा में जाते। तो इसी वजह से ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत है वो हम उसका हम प्रयोग ठीक से नहीं कर सकते, और फिर वो उसका फल जो है फलित वो नहीं मिलता है हमें। तो हम किसी की भविष्यवाणी ठीक से नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले दशा देखिए, उसका विश्लेषण कीजिए, वो ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो कौन से घर में है, किस राशि में बैठा है, किन घरों का स्वामी है, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। और किन घरों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, और किन घरों को दृष्टि डाल रहा है, किन घरों को ग्रहों को दृष्टि डाल रहा है, या ग्रह या घर जो भी बोले आप, क्योंकि हर एक ग्रह सातवें घर को दृष्टि डालता है अपने से। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप गोचर पे आइए, ठीक है। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और इस पे आपको एक लिस्ट दिखेगा। तो ये एक लिस्ट है जो ये बताता है कि किस राशि या किस लग्न के लिए कहाँ पे ये गोचर सब हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे एरीस, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो शायद आपको ठीक से दिखाई दे। तो इसके पहले कुछ डेट्स आप लिख लीजिए, जैसे सबसे पहले मूला नक्षत्र में गुरु प्रवेश करेगा जो 5 नवंबर से लेके 4 जनवरी 2020 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे 4 जनवरी से लेके 30 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। बीच में ये वक्री भी होता है, गुरु तो आप जानते हैं बहुत समय वक्री रहता है। उसके बाद 30 अक्टूबर 2020 से
वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और फिर आगे जाएगा मकर राशि की ओर, ठीक है। और वक्री का जो टाइम है वो रेट्रोग्रेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उत्तराषाढ़ा से पूर्वाषाढ़ा में गुरु वक्री होके जाने वाला है 14 मई 2020 से 13 सितंबर 2020। तो 14 मई को वक्री होना शुरू होगा, 13 सितंबर खत्म होगा, फिर 13 सितंबर से पूर्वाषाढ़ा में फिर से मार्गी हो जाएगा गुरु, और 30 अक्टूबर तक पूर्वाषाढ़ा में ही रहेगा, फिर उसके बाद उत्तराषाढ़ा में प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये कुछ तारीख है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं एरीस जोडियक साइन का। तो मेष राशि पे आते हैं हम सबसे ज्यादा, मेष लगन या मेष राशि। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो असेंडेंट है, माफ कीजिएगा ये अंग्रेजी में नहीं है, ये हिंदी में ही है। तो ये जो असेंडेंट है, ये आपका जो राशि है वो, या लगन जो भी बोल लीजिए आप, नाम है उसका। उसके बाद ये लॉर्ड्स मतलब है जो आपका स्वामी जिन घरों का है, ठीक है। तो गुरु जिन घरों का स्वामी है ये उसको बताता है। जैसे मेष लगन में गुरु 9वें और 12वें घरों का स्वामी है, ठीक है। और ये प्लेसमेंट मतलब अभी कहाँ इसका गोचर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी गुरु का गोचर हो रहा है 9वें घर पे। उसके बाद एस्पेक्ट मतलब दृष्टि कहाँ डाल रहा है, और गुरु आप जानते ही हैं, गुरु जहां पे भी बैठता है वहां से 5वें 7वें और 9वें घर को दृष्टि डालता है वो। तो इसका मतलब ये है कि गुरु मेष लगन के लिए 9वें घर से 5वें घर, 3रे घर और लगन को दृष्टि डालेगा, ठीक है। क्योंकि जो लगन है वो 9वें घर से 5वां है, और 3रा घर 9वें से 7वां है, और 5वां घर 9वें से 9वां है, ठीक है। तो ये वो लिस्ट है। तो आपका अगर मान लीजिए सिंह राशि या सिंह लगन है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। 5 और 8 है, स्वामी है गुरु 5वें और 8वें घर का, और गोचर हो रहा है 5वें में, और 1 9 11 को दृष्टि डालेगा गुरु, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट। अभी एक एक राशि पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि का बात हम शुरू करते हैं करना। तो मेष राशि जो है एरिस, उसके लिए गुरु 9वें घर का और 12वें घर का स्वामी है, और अभी गोचर करेगा 9वें घर में, और दृष्टि डालेगा पहले 3रे और 5वें घर पे। तो इसका मतलब है कि 9वां घर जो आपके पिता का है, आपके गुरु का है, आध्यात्मिक ज्ञान का है, उसके लिए ये बहुत शुभ है। लेकिन अभी मान लीजिए आपकी कोई दशा चल रही है, तो हम दशा से थोड़ा इसको लिंक करने का कोशिश करते। तो मान लीजिए आपकी गुरु की ही दशा चल रही है, ठीक है, गुरु की महादशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है मेष लगन में, तो ये आपको आध्यात्म की तरफ ज्यादा ले जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही, तो ये आपको भौतिक स्तर पे जो हमारी उच्च शिक्षाएं होती है, जैसा मास्टर्स बोलते हैं हम, या पीएचडी डॉक्टरेट जिसको बोलते हैं, उस साइड ज्यादा ले जा सकता है। शुक्र है तो हमको थोड़ा ऐसी स्टडीज, ऐसी पढ़ाई जो आपके इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड हो या मेकअप मॉडलिंग उससे रिलेटेड हो, तो वैसी चीजों में हमको ज्यादा ज्ञान दे सकता है ये, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ग्रहों की दशा जो है वो उस पे उसके अनुसार ये बताया जा सकता है कि क्या होगा। तो अभी देखिए 9वां घर और 12वां घर जो है वो लंबी दूरी यात्रा का भी है, ठीक है। तो 9वां घर लंबी दूरी का है, और 12वां घर जो है वो आपके फॉरेन लैंड जो विदेश यात्रा है उसका है, ठीक है। तो गोचर हो रहा है 9वें घर पे, और स्वामी है गुरु 9वें 12वें का। तो मान लीजिए आपका उम्र अभी अगर 23 या 24 ऐसा है, और आप हिंदुस्तान में आपने बैचलर्स किया है, और आप सोच रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में जाना, किसी विदेश कंट्री में जाना, जर्मनी आने का सोच रहे हैं जैसा मैं आया था 4-5 साल पहले, या आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं, या आप कनाडा जाने का सोच रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए। क्योंकि 9वां घर जो है वो पढ़ाई का भी है, ठीक है। तो पढ़ाई और लंबी दूरी और विदेश यात्रा बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। फिर 9वां घर जो है आपके पिता
पिता का भी है, तो ऐसा हो सक, तो ऐसा देखा गया है कि नवे घर पे जब गुरु जाए तो संतान प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपके जो ग्रह है जिनकी दशा चल रही है वो अगर पांचवें घर को किसी भी तरीके से पांचवें घर से संबंधित है, मतलब आपका मेष लगन में जो सूर्य पांचवें घर का स्वामी हो जाता है या कोई ग्रह पांचवें घर में बैठा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ बच्चे पैदा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या आपके बच्चों से आपका संबंध बेहतर हो सकता है। और जैसा शनि है तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत तपस्या करने लगे, क्योंकि शनि जो है वो तपस्या का नैसर्गिक कारक है। और अगर इसमें तीसरे घर की दशा भी जुड़ जाती है, तो मान लीजिए आपकी बुध की दशा चल रही है मेष लगन वालों की, तो ऐसा हो सकता है कि लंबी दूरी की यात्रा तो हो, लेकिन इसके साथ आपको छोटी दूरी छोटी छोटी यात्राएं भी करने का अवसर मिले, जैसा 24 घंटे के अंदर अंदर आप जाके आ सकते हैं। और नौवे घर से आपको आपके लगन में दृष्टि डाल रहा है गुरु, तो आपका जो लगन है वो आपका बुद्धि है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है कि आप अपने बुद्धि को स्थिर कीजिए, आप युधिष्ठिर महाराज जैसा बने, क्योंकि युधिष्ठिर का अर्थ है जो युद्ध में भी स्थिर रहता है। तो तीसरे घर को भी दृष्टि डालता है, मतलब कि आप अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से ना, उनसे अगर कोई मन मुटाव है तो उसको ठीक करिए। भी पांचवा घर को भी दृष्टि डाल रहा है गुरु नवे घर से, तो पांचवा घर तो आपको बोला ही मैंने, जो संतान का है या प्रेम का है, तो प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं। अगर आपका जो दशा चल रहा है वो दूसरे सातवें या ग्यारहवें घर से संबंध रखता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मिले और आपको प्रेम हो जाए उस इंसान से, और आप बाद में आप उसे शादी कर ले, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो आप अपनी दशाएं देखिए और देखिए कि वो जो दशाएं जो घर बता रही है वो घर नौवे और बारहवें से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो विवाह तो आप जानते ही हैं, विवाह मतलब आप अपना अपने वंश को आगे ले जा रहे हैं, तो वो पांचवा और नौवा घर है, तो अगर विवाह के योग है आपके दशा में तो विवाह हो सकता है, क्योंकि लगन में गुरु दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, और लगन में दृष्टि डालने से भी विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि लगन जो है सातवें से सातवा है, भावा भावम है सातवें घर का। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मेष लगन मेष राशि के लिए क्या हो सकता है। तो अभी हम आते हैं वृषभ राशि पे, टॉरस जो कि साइन है वो मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो टॉरस के लिए जो गुरु है ये आठवें घर का स्वामी है और ग्यारहवें घर का स्वामी है, और गोचर हो रहा है आठवें घर पे, और आठवें से गुरु दृष्टि डालेगा दूसरे चौथे और बारहवें घर पे। तो गुरु जो कि आपका आठवां और ग्यारहवें घर का स्वामी है, तो आठवां घर जो है वो ज्ञान का है, ज्ञान मतलब जो हिडन नॉलेज जिसको बोलते हैं, गुप्त विद्या जो है उसका भी है आठवां घर। ठीक है, और एक आध्यात्मिक स्तर पे जो विद्या होती है वो थोड़ा नौवें घर से देखा जाता है। तो आठवां घर जो है वो रिसर्च का भी घर है, तो अगर आप किसी भी आपके कैरियर फील्ड में या आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए, क्योंकि आठवां घर जो ये बताता है कि आपका जो किसी भी चीज में आप लाइफ में जिंदगी में जो कर रहे हैं उसमें आप बहुत नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब आपका स्तर नहीं गिरा, आप अंदर जाके वो उसकी उसको उसको छानबीन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो और नीचे जाके और पढ़ाई कीजिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई ऐसा नया चीज सीखिए जो अभी नया आविष्कार हुआ है ना या होने वाला है, ऐसा कोई नया नया चीज आप सीख सकते हैं और आप खुद भी आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो और एकादश का भी स्वामी है, तो एकादश जो होता है हमारे लाभ भाव का होता है, तो एकादश जब भी आता है किसी ना किसी प्रकार का लाभ हमें होता है। तो आठवां और ग्यारहवां घर जब साथ में जुड़ता है तो आठवां घर जो है वो इनहेरिटेंस का भी है, मतलब जैसे अपने
आपको इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है, या प्रोविडेंट फंड जो हो गया ना, या म्यूचुअल फंड या ऐसा कुछ, वहां से पैसा मिल सकता है आपको। या अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपको वो पेंशन मिल सकता है, या उसमें थोड़ा उसमें अचानक वो बढ़ सकता है, इस ऐसी चीजें हो सकती है। और आपकी दशा जो बता रही है उसके अनुकूल होगा ये। तो मान लीजिए आपकी जो दशा है वो बता रही है कि आपकी शादी होगी, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी दशा में दूसरा, सातवां या ग्यारहवां घर बता रहा है विंशोत्तरी में, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको, क्योंकि गुरु आठवें में गोचर करेगा, तो ऐसा हो सकता है आपको अपने ससुराल वाले जो है उनसे ज्यादा, उनसे संबंध आपके बेहतर हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आठवां घर जो ससुराल है, क्योंकि वो दूसरे दूसरा घर है सातवें से, दूसरा जो घर है वो हमारा परिवार होता है, और सातवें से दूसरा मतलब हमारे पति या पत्नी का जो परिवार है, तो हमारा ससुराल बोल सकते हैं उसको। तो अगर दशा शादी बता रही है तो ऐसा हो सकता है ससुराल वालों से आपका ज्यादा तालमेल बढ़ जाए ना, उनसे बातें ज्यादा होने लगे। फिर अगर आप इस टाइम कोई हायर एजुकेशन जैसे पीएचडी या मास्टर्स में जाना चाहे तो उसमें रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर आपकी दशा चौथे घर से संबंधित है, तो जैसे वृषभ राशि में, वृषभ लगन में आपका सूर्य जो है वो चतुर्थेश हो जाता है, चौथा चौथा घर जो है वो पढ़ाई बताता है, ठीक है। तो अगर सूर्य को, सूर्य की दशा चल रही है या कोई ग्रह है जो चौथे घर में बैठा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये पढ़ाई की तरफ ज्यादा ले जाए। और मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है, क्योंकि शनि तो आपके वृषभ लगन में, शनि नौवे और दसवें घर का स्वामी है, तो इसी कारणवश आपका जो कैरियर है उसमें उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और लेकिन वो क्योंकि आठवें घर में गुरु का गोचर हो रहा है, वो ऐसे हो सकता है जो जिसकी कल्पना आप ना करें, मतलब अचानक ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज आपको मिल जाए ना, कहीं से फोन आ जाए कि ये जॉब आप करेंगे क्या, या ये बिजनेस पार्टनरशिप आप करेंगे क्या मेरे साथ, और आप सोचते रहेंगे कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि आठवां घर वैसी चीजों को बताता है जो जो अकस्मात हो जाता है ना, जो बिना सोचे समझे हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था ना, ऐसी चीजें हम होगी हमको पता नहीं था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या होगा आपके जिंदगी में। तो दशा आपके इस गोचर का फल वैसे बदल देगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए आपको शनि मंगल में से दोनों में से एक चाहिए, उसके बिना प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते। तो शनि मंगल या तो किसी भी एक दशा में आना पड़ेगा, या तो कोई ऐसे ग्रह आना पड़ेगा जो उनके साथ बैठे हैं, या उनसे दृष्टि, मतलब शनि और मंगल की जिसपे दृष्टि है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा है सिंह राशि में, जो कि वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए चौथा घर हो गया, और चंद्रमा में आपने आपने कोई नया घर लिया, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे घर लिया मैंने, क्योंकि शनि मंगल तो आए नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका शनि दूसरे घर में, तो शनि दूसरे घर से चंद्रमा को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है चौथे घर से, क्योंकि दूसरे से तीसरा चौथा घर होता है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा जो है आपके शनि और या तो या शनि या मंगल से संबंधित है किसी भी तरीके से। और मान लीजिए आपका शुक्र बैठा है चौथे में सिंह राशि में, तो ऐसा हो सकता है आप कोई बड़ा घर ले, ठीक है, अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो बड़ा घर हो सकता है। और शुक्र अगर चौथे में है तो घर से ज्यादा वो वाहन बताता है, तो नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। और अगर जैसे शुक्र जो है अगर चंद्रमा या गुरु से संबंधित है चौथे घर में बैठ के, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर शुक्र चौथे घर में बैठ के चंद्रमा या गुरु से कोई संबंध बना रहा है आपके कुंडली में, तो ऐसा हो सकता है आप एसयूवी गाड़ी ले, जो बड़ी वाली गाड़ी होते हैं ना, बड़ी डिग्गी वाली, ठीक है,
या हो सकता है आप सीडान भी ले जिसमें वो छोटी वाली डिग्गी होती है। और अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है, मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु चौथे में बैठा है, तो और शुक्र से राहु शुक्र की दृष्टि में है राहु, मतलब शुक्र 10 में है और राहु को देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी गाड़ी ले जो उतना बड़ा ना हो और जिसका रंग जो है वो थोड़ा काला हो, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि आठवें घर से संबंध अगर आपका बनता है तो इसका ये भी मतलब है कि क्योंकि एकादश भाव भी यहाँ आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से आपका जो गाड़ी है वो कोई आपको गिफ्ट कर दे, मतलब कोई तोहफा दे दे आपको ना, कोई त्योहार आपको मिल जाए गाड़ी का, तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। क्योंकि आठवां और ग्यारहवां घर जो है वो अनअर्न मनी, मतलब आपने जिसका जो आपको अपने मेहनत से नहीं मिला है ना, वो आपके कर्म से मिला है, वो बिना मेहनत किए जो मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कोई गाड़ी मिले या आपकी लॉटरी लगे गाड़ी संबंधित या घर संबंधित ना। और अगर पांचवा घर आपकी दशा में आ रहा है ना, जैसा मान लीजिए आपका पांचवे घर की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, और क्योंकि गुरु आठवें में है तो पांचवा आठवा जब भी संबंध बनाता है तो ऐसा होता है कि प्रेम का संबंध बनता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से प्रेम हो जाए, तो ऐसे आप देख सकते हैं। और फिर गुरु जो है दूसरे घर को दृष्टि डाल रहा है, फिर चौथे को, बारहवें को, तो दूसरा घर आपका जो आपके घर वाले आपका आपका परिवार है वो है, सब लोग है दूसरे घर में, ठीक है। तो वो वहां पे आप ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि आठवें घर से दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जिंदगी में मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि आठवां घर जो है वो कभी कभार ये बता सकता है कि आपके पास लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की, लेकिन क्योंकि दूसरे घर को वहां से दृष्टि डालेगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जब संकट में होता तो मेरे घर वाले मुझे बचाने आते हैं, या उन्हीं की मदद से मैं जिंदा हूं, मैं बचता हूँ बार बार, या वही मुझे निराश नहीं होने देते ना, ऐसा आपको लग सकता है। फिर चौथे घर को भी दृष्टि डाल रहा है, तो चौथे घर को दृष्टि डालेगा मतलब कि आपको लग सकता है कि मेरी जो माँ है ना वो मुझे बहुत अच्छे समझती है, जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी तनाव या मन मुटाव आते तो मेरी माँ हमेशा ही मेरा साथ देती है, मेरी माँ कभी छोड़ती नहीं मेरे को। फिर बारवा घर जो है ये लंबी दूरी का है, और क्योंकि आठवां और बारवा दोनों घर संबंध में आ गया है यहाँ पे, तो ये बताता है कि आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बहुत डेप्थ में जाना पड़ सकता है। कभी जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं आप बहुत डीप में चले गए, और जैसा नौकरी में आप बहुत डीप में चले गए, तो ऐसा हो सकता है कि बारवा घर जो है विदेश यात्रा में गए और वहां जाके वहीं सेटल हो गए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके नौवे और बारहवें घर की दशा अगर चल रही है, ठीक है, तो जो भी आपकी दशा बता रही है उससे संबंधित जब आपके चीजें एक्टिवेट होंगी तो ये गोचर उस तरीके से फल देगा आपको, ठीक है। अभी हम चलते हैं मिथुन राशि पे, जो कि जेमिनी राशि है। तो मिथुन राशि के लिए गुरु जो है सातवें घर का स्वामी है, दसवें घर का भी स्वामी है, और सातवें घर में गोचर कर रहा है, और सातवें घर से लगन को देख रहा है पहला घर जो है, फिर तीसरे घर को देख रहा है, फिर देख रहा है एकादश को। तो गुरु जो है आपके लगन में जेमिनी लगन के लिए काम भाव का स्वामी है, क्योंकि सातवां घर जो है काम भाव है और दसवां घर जो है वो अर्थ अर्थ त्रिकोण में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, और मान लीजिए आपकी आपकी उम्र 25 से 30 साल या 35 साल के बीच में है, और मान लीजिए आपका दूसरे घर का दशा चल रहा है, तो आपके आपके केस में दूसरा घर का स्वामी कौन हो जाता है,
वो चंद्रमा हो जाता है, क्योंकि दूसरे घर में कर्क राशि आता है। तो मान लीजिए आपका चंद्रमा की महादशा है और गुरु का अंतरदशा है, गुरु जो स्वयं सप्तमेश है और आपका जो मंगल है एकादश का स्वामी है वो, तो मान लीजिए मंगल महादशा या गुरु महादशा आपकी चल रही है या चंद्र महादशा चल रही है, या उसमें ये तीनों में से किसी का अंतरदशा आ जाए, तो आपकी शादी होने की बहुत 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 ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आपका 10वें घर का दशा चल रहा है, मतलब गुरु का ही दशा चल रहा है मान लीजिए, और एकादश का भी दशा चल रहा है, ठीक है, जो कि मंगल है, तो अगर 10वें और एकादश का मेल तालमेल बैठ रहा है ठीक से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में जाने का आपको बहुत चांस मिले, बिजनेस पार्टनरशिप्स में आप बहुत आगे जाए। और अगर शनि की दशा चल रही है और शनि अगर 10वें में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस बढ़े, लेकिन थोड़ा धीरे से बढ़े वो, ऐसा नहीं कि दिन दिन रात नई नई चीजें हो रही, ऐसा जरूरी नहीं है शनि है तो। और अगर शुक्र है तो तेजी से बढ़ेगा, अगर चंद्रमा है तो भी तेजी से बढ़ेगा, नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर बैठे हैं 10वें 11वें में, तो कैरियर और कैरियर संबंधित चीजों में ना बहुत तेज ग्रोथ होता है उसका, उस आदमी का। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके 9वें 12वें घर की दशा चल रही है, मतलब कि आपका जो 12वां घर है उसका स्वामी शुक्र हो गया, फिर 9वें घर का स्वामी हो गया आपका शनि महाराज, तो मान लीजिए आपका शनि शुक्र चल रहा है या शुक्र शनि शनि चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश में चले जाए बाहर, आपकी दशा में अगर है, और वहां जाके आपकी शादी हो जाए। तो मान लीजिए आपके शनि महादशा चल रही है और शुक्र अंतरदशा चल रहा है और चंद्रमा का प्रत्यंतर चल पड़ा, चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी है, और इसका तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाहर जाके आपकी शादी हो, या हो सकता है कि अगर 5वां घर आ जाए तो हो सकता है कि बाहर जाके आपकी आपके घर में नया बच्चा पैदा हो। तो ऐसा हो सकता है जो आपके दशा के अनुकूल जो चीजें हैं। और अगर आपका तीसरा घर दिखाई दे रहा है दशा में, तो क्योंकि तीसरा घर भी काम भाव है और 7वां घर भी काम भाव है, तो आपके लोगों से जो मिलने का जो समय है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत देर तक आप लोगों से मिलेंगे, फिर आप गप्पे लगाएंगे ना, बातें करेंगे, और आप बहुत देर तक बहुत सारे विभिन्न चीजों पे आप चर्चा करेंगे, आप बातें करेंगे बहुत देर तक। और ऐसा हो सकता है कि अगर तीसरा घर आता है आपके दशा में, और क्योंकि जो तीसरा घर है वो सूर्य का घर है, क्योंकि सूर्य आपका तीसरे घर का स्वामी है, तो अगर सूर्य की दशा चल पड़े ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर जाए किसी वेकेशन पे, या आपकी शादी भी तो अब हनीमून पे जाए, ऐसा चीजें हो सकता है। और 7वें घर पे हुआ है तो अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पति या पत्नी से जो आपके संबंध है उसको और बेहतर करें, अगर उसमें कुछ समस्याएं आई है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और बिजनेस पार्टनरशिप्स में और नई चीजें करूं, मैं नए लोगों को इंक्लूड करो अपने बिजनेस पार्टनरशिप में, तो वो भी आप कर सकते हैं ना, अगर आपके पास ऑलरेडी है और नई चीजों को नए लोगों को लाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चलती है या अंतरदशा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो नए बिजनेस पार्टनर्स आएंगे वो किसी दूसरे कम्युनिटी से हो, मतलब अगर आप मान लीजिए आप गुजराती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो नया बिजनेस पार्टनर है वो शायद बंगाल से हो, या हो सकता है वो अमेरिका से हो या रशिया से हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है जैसा गुरु शुक्र चंद्र बुध ये सब, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि वो आपके आसपास के कम्युनिटी आसपास के घर में से ही कहीं से होगा, या आपका रिश्तेदार भी हो सकता है अगर गुरु या चंद्रमा है तो। ऐसी चीजें आपको मिल सकती है, क्योंकि 7वां घर जो है आपके
क्या करता है, सातवां घर में जब गुरु आता है तो आपके लोगों से जितना बातचीत होता है ना उसको बहुत बढ़ा देता है। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है दशा के अनुसार, या तो आपकी शादी हो सकती है, या आपके भाई के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। पांचवा घर अगर दशा में आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपका संबंध बेहतर हो जाए। तो अलग अलग चीजें हो सकती है जो आपकी दशा बताएगी वैसी होगी। और आपके लगन को तीसरे और ग्यारहवें को गुरु दृष्टि डालेगा। तो लगन जो है बुद्धि का घर है, तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखिए, मंत्र वगैरह कीजिए आप। फिर तीसरा घर है आपके भाई बहन के साथ, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको ठीक करने का कोशिश करिए। और एकादश जो लाव भाव है, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन आपकी जो है, या आपके ऑफिस या कंपनी में जो आपका बॉस है, आपके जो बड़े लोग हैं, वो लोग जो आपको जीवन में सहायता करते हैं आपका लाभ होने के लिए, तो उन लोगों से आप संबंध बना सकते हैं। और उन लोगों से आप संबंध और बेहतर कर सकते हैं, और उन लोगों से ऐसा हो सकता है कि आपको और लाभ मिले और धनराशि की आपको प्राप्ति हो। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। तो आप अपना दशा देखिए, उसके बाद इस गोचर का आप स्टडी करिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अभी हम जाएंगे कर्क राशि पे। हाँ, आइए चलते हैं कर्क लगन कर्क राशि की तरफ। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कर्क राशि दिख रहा है, कर्क लगन, और यहाँ पे गुरु छठे घर का स्वामी है, नवे घर का भी स्वामी है, और छठे घर में गोचर हो रहा है, और छठे घर से दूसरे, दसवें और बारहवें घर पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो छठा घर जो होता है वो किसका होता है, वो कंपटीशन का होता है, वो हेल्थ का होता है। तो अभी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और ये जो समय 1 साल का है, उसका प्रयोग आप अलग अलग तरीके के हेल्थ, स्वास्थ्य को ठीक करने के जो अलग अलग तरीके के चीजें है, उसको उसको आजमाइए आप। जैसा बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उनके लिए एलोपैथी काम नहीं करता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको आयुर्वेद के पास जाना पड़े। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता, तो हो सकता है आपको होम्योपैथी के पास जाना पड़े। और आपके कुंडली में अगर ये तीनों में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके अनुसार ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि किसके पास जाना है। तो अगर आपके कुंडली में सूर्य नारायण, जो सूर्य सन है, सूर्य अगर बहुत बली है, या तो केंद्र में है, या त्रिकोण में है, या स्वराशि में, सिंह राशि में है, या मेष राशि में उचका है, या धनु राशि में है, या किसी भी मित्र राशि में, जैसा कर्क राशि खुद हो गया ना, या वृश्चिक राशि हो गया, तो ऐसे राशियों में अगर सूर्य है तो आपका चांस है कि आपको एलोपैथी के तरफ जाके आपको सहायता मिले एलोपैथी से। लेकिन मान लीजिए आपका सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य अगर नीच अवस्था में है, या दुस्थान में है, जैसे 6-8-12 में है, या किसी शनि राहु या केतु से संबंध बना रहा है किसी भी तरीके से, उनके साथ बैठा है, तो हो सकता है एलोपैथी आपको उतना काम ना आए। लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि जो है वो अगर बहुत बलवान है, अगर शनि उच्च का है, या स्वराशि या मूल त्रिकोण में, या किसी भी स्थिति से अगर शनि बहुत ताकतवर है, तो आपको आयुर्वेद जरूर काम आएगा। तो आयुर्वेद के पास जा सकते हैं आप। और अगर आपका कुंडली में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा बहुत ताकतवर है आपके में ना, अगर वृषभ राशि में उच्च का है, या कर्क राशि में स्वराशि का है, या केंद्र में है, या लगन में है, तो चंद्रमा ऐसे ही बहुत बली होता है। तो ऐसे केस में आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए। और इसको लेने से पहले आप आपके जो ज्योतिष गुरु है उनसे एक बार बात कर लीजिए, और आपके जो डॉक्टर है, आपके जो फैमिली डॉक्टर है, उनसे भी एक बार आप सलाह ले लीजिए। ये वीडियो को देख के जस्ट आप किसी भी अपने चिकित्सा प्रणाली को चेंज मत करिए। ये तो मैं आपको एक सजेशन, एक दायरा बता रहा हूँ कि ऐसे आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए
लाभदायी हो सकता है, और इसके अनुसार आपको उसका चयन करना पड़ेगा। और ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभार मान लीजिए आपके कुंडली में 3 में से 2 ग्रह बलि है, तो देखिए दो, अगर सूर्य और चंद्र दोनों बलि है, तो देखिए दोनों में से ज्यादा कौन सा बलि है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपका सूर्य जो है उच्च का है लेकिन दुस्थान में है, और आपका चंद्रमा भी अगर उच्च का है लेकिन मान लीजिए वो किसी त्रिकोण में है ना, तो ऐसा हो सकता है कि होम्योपैथी आपको ज्यादा काम आए, एलोपैथी कम काम करे। तो ऐसी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपकी जो दशा है उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, जैसा आपकी कैसी दशा चल रही है, उस दशा के अनुसार ये आप बता सकते हैं कि किस टाइप का चिकित्सा आपको करना चाहिए ना, कि किस किस आपके शरीर का कौन सा अंग है, या किस प्रकार के डिजीज या आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में। तो मान लीजिए आपका जो बृहस्पति की दशा चल रही है, और अगर आपकी दशा जो है लगन और छठे से संबंधित है, तो ऐसे स्थिति में आपका हो सकता है कि आपको डायबिटीज का चेकअप करवाना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि आपको आपका जो लीवर है उसको थोड़ा चेक करवाना पड़ जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है नहीं है आप एक बार चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम, जैसा मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी हर 6 महीने में हर एक इंसान रोज डॉक्टर के पास जाता है 6 महीने में एक बार, और अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाता है। तो ये हमें हिंदुस्तान में भी शुरू करना चाहिए, ये तो बहुत लाभदायक होगा, और ऐसे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और मान लीजिए आपकी शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र यदि आपका लग्नेश है या आपके छठे घर में है या जो भी है, शुक्र की अगर दशा चल रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो पैंक्रियस है उसका ट्रीटमेंट आपको उसका एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। ठीक है, और अगर यदि आपका शनि शनि की दशा चल रही है और शनि छठे में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो हड्डियां है उसका एक बार आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाए। और अगर तीसरे घर से शनि का संबंध है, तो आपका जो ENT का जो डॉक्टर होता है, जैसे सांस लेना और टॉन्सिल वगैरह, वो वैसी चीजों का भी एक बार आपको हो सके तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। और छठा घर जो है कंपटीशन का भी है, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं और आपकी दशा छठे 10वें या 11वें घर को बता रही है, मतलब मान लीजिए जैसे आपका कर्क लगन है या कर्क राशि, मैं लगन के लिए बता रहा हूँ, तो मान लीजिए आपका जो जो गुरु है आपके कुंडली में मान लीजिए 10वें स्थान में बैठा है मेष राशि में। ठीक है, तो ये जो है छठे और 10वें का संबंध बनना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में जीतने के लिए, कंपटीशन या जो भी कह लीजिए उसको। तो अगर आपका गुरु जो है वो वृषभ राशि में एकादश में, तब तो और भी बढ़िया है ये। या कोई भी ग्रह एकादश में हो या कोई भी ग्रह 10वें में हो, उनकी अगर दशाएं चल रही, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल जाए। और अगर गुरु और शुक्र इससे संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कंपटीशन के अलावा आपको कोई प्राइज भी मिल जाए, कोई धनराशि भी मिल सकती है ना, ऐसा जैसा प्राइज होता है उसमें, तो या आपको प्राइज भी मिल सकता है या आपको पैसा भी मिल सकता है उसका। और अष्टम से संबंध है, तो आपको आपकी लॉटरी वगैरह भी लग सकती है अगर एकादश से संबंध है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी दशा है और क्या रिजल्ट आ सकता है उसके अनुसार। और छठा घर जो है आपका, वहां से गुरु जो है दूसरे 10वें 12वें को दृष्टि डालेगा, तो अब आपके सारे जो अर्थ त्रिकोण है उसमें गुरु का प्रभाव आ रहा है। तो अगर आपकी दशाएं जो है उसमें अगर दूसरा छठा या 10वां घर की दशाएं चल रही है, तो ये अर्थ के लिए या पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है ये। और ये अगर आप के पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये बहुत सही समय है नौकरी पाने के लिए। अगर आपके पास नौकरी है और आप उसमें प्रमोशन चाहते हैं, तो ये भी बहुत सही टाइम है प्रमोशन पाने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा घर है वो विवाह भी बताता है, लेकिन जब छठे घर से लिंक्ड होता है, तो वो विवाह के जगह में आपका
धनराशि में बढ़ोतरी वो बताता है ना, फाइनेंस फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होते हैं वो बताता है। तो और दसवां घर तो आप जानते हैं, वो आपके नाम नेम फेम जो पद प्रतिष्ठा इज्जत शौहरत उसकी होती है, तो वो दसवें घर को भी दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर अपना जॉब छोड़ के कोई नया अपना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहे, कोई स्टार्टअप खोलना चाहे, तो वो भी आप कर सकते हैं ना। और उसके बाद वो बारवा घर जो है द्वादश, उसको भी दृष्टि डाल रहा है। तो छठे और द्वादश का जब संबंध बनता है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने जो खर्चे हैं ना उस पर भी ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में हमेशा ये सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, लेकिन कोई ये नहीं समझाता है कि पैसा बचाना भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, कोई करोड़पति है, और उसका खर्चा होता है 2 लाख 2 करोड़ का, तो फिर वो कमा तो कुछ रहा नहीं है ना। तो बारवा घर जो है, जब गुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो आप आपको लगेगा कि मैं किस तरीके के खर्चे कर रहा हूँ, वो करने जरूरी है, या वो खर्चे नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसी चीजें आप अपने अंदर देखिए कि कौन कौन से खर्चे आप कर रहे हैं, और कौन किस तरीके के खर्चों को ना करने से भी आपकी जिंदगी चल सकती है ना। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी रुक जाएगी। तो वैसे आप देखिए कि आप अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है नैसर्गिक शुभ कारक ग्रह है, तो इसके वजह से आपको वो आपको वैसा लगेगा नहीं कि आप खर्चे नहीं कर रहे। आपको लगेगा कि चलो ये मैं बचा रहा हूँ ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि खर्चे कम करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बचत ज्यादा करो। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि खर्चा कम कर रहा है, तो फिर हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में और कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जब बचत पे ध्यान देते तो लगता है हम बचा रहे हैं अपने पास ना। तो सारे अर्थ त्रिकोण आपके गुरु से संबंध हो रहा है, तो ये पैसे के लिए बहुत सही समय है आपका। और अगर धनराशि में बढ़ोतरी चाहते हो, अगर किसी भी टाइप का बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, अगर आपकी दशा उसका इंडिकेशन दे रही है, उसके संकेत, तो आप उसको खोल सकते हैं। तो अभी चलते हैं सिंह लग्न पे, लियो लग्न पे। तो लियो लग्न के लिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सूर्य ये गुरु जो है पांचवें और आठवें घर का स्वामी है, उसके बाद पांचवें घर में इसका गोचर हो रहा है, और पांचवें से नवें घर को देख रहा है, और लगन को देख रहा है, और 11वें घर को देख रहा है। तो पांचवा घर जो है, पांचवा और नवा और 11वां गुरु का जब गोचर इनमें होता है, तो ये सबसे अधिक शुभ माना जाता है, ये 3 घरों पे गुरु का गोचर। और आप देखिए, आपका गुरु पंचमेश है, तो अर्थात अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप के पास बच्चे नहीं और आप चाहते कि बच्चा हो, तो ये समय अगर दशा ये बता रही है कि आपके बच्चे होंगे, मतलब कि अगर दशा आपकी जो है वो दूसरे पांचवे नौवे या 11वें घर से संबंधित है ना, जैसा आपका सिंह लगन है मान लीजिए, तो बुध जो है वो दूसरे घर का स्वामी हो जाता है, और बुध जो है वो 11वें घर का भी स्वामी हो जाता है। तो मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए आपका शनि जो है पांचवे में है, तो मैंने क्या कहा था, दूसरा पांचवा 11वां और नौवां, और मान लीजिए आपका चंद्रमा नवे घर में बैठा है, इस टाइप की कोई कुछ कुंडलियां बता रहा हूं मैं आपको। तो आपकी मान लीजिए बुध महादशा चल रही है, और उसमें शनि अंतरदशा चल रही है, और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो ऐसी चीजें हुई तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर नौवे घर और 12वें घर का संबंध है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जब आपका जब ये ज्ञान के लिए भी बहुत सही है, अगर नौवा घर और 12वां घर जुड़ जाए पांचवे के साथ, तो ये जो है आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आपकी दशा में चौथा घर का दशा चल रहा है, या नौवे का या 11वें घर का ना, ऐसे घरों का, तो ये जो पांचवा घर है, ये आपको बुद्धि बुद्धि देगा, ये गुरु का जो गोचर है, और ये आपको बताएगा कि किस एरिया में आपको ज्यादा ज्ञान लेना चाहिए, किस जगह में आपको आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि पांचवा घर जो है वो पूर्व जन्म के पुण्य को बताता है, ये पुण्य स्थान बोला जाता है, और गुरु
जो है जब इस घर में घुसता है तो अत्यंत शुभ होता है। और शुभ किस लिए होता है? ये ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा करेंगे तो खुशी मिलेगा आपको या किताबें पढ़ेंगे तो खुशी मिलेगा। ये पांचवा घर जो है आपके आपके जो हॉबीज है उसके है, जो क्रिएटिविटी है ना, आपको जो चीजें पसंद है उन चीजों का है। तो अगर आपके कुंडली में जैसा शुक्र बहुत बली है, शुक्र उच्च का है या मूल त्रिकोण में है या किसी लगन में या त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो ये गुरु का यही गोचर हो सकता है आपको पेंटिंग का शौक दे देना, चित्र बनाने का। और अगर आपका चंद्रमा बली है तो ऐसा हो सकता है आप गाने लग जाए, आपका सूर्य बली है तो ऐसा हो सकता है कि आप नाचने लगे। तो ये जो ग्रह है, ये जो कारक तत्व है, ये ऐसे आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इस गोचर से। और अगर नौवा घर बहुत नौवा घर और दसवा घर आ रहा है आपके दशा में, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको एक बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है और गुरु से आप दीक्षा ले सकते हैं। और अगर चौथा घर भी इसमें आ रहा है आपके दशा में, तब तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा शुभ है ये, तो उसमें आपको ज्ञान भी मिल सकता है। और अगर पांचवा घर जैसा है वो शिक्षा का भी है, तो अगर आप किसी पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो दशा है वो पांचवें घर से संबंधित है, या चौथे या नौवे या ग्यारहवें से, या और नौवे और बारहवें से भी संबंधित है, तो और अगर शनि राहु केतु में से कोई है इन दशाओं में, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फॉरेन जाना का एक चांस मिले ना। इंडिया से आप अमेरिका जा सकते हैं, या इंडिया से आप रशिया जा सकते हैं, या इंडिया से चाइना जा सकते हैं, किसी और दूसरे देश में आप जा सकते हैं। और इसके अलावा वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये आपके बहुत सारे ग्रहों में ऐसी दशाएं आती है, बहुत सारे ऐसे ग्रह आपके पांचवें नौवें बारहवें में बैठा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप परमानेंटली पूरा सेटल हो जाए अब्रॉड में ना, जिसको वो सिटीजनशिप या पीआर बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और पांचवा घर तो आप जानते ही है, प्रेम का घर है। तो अगर आपकी दशा पांचवें और आठवें घर से संबंधित है, मतलब कि आपका पंचमेश अष्टम में है या अष्टमेश पंचम में है, पंचमेश द्वादश में है, द्वादशेश पंचम में है, ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में है और उसकी दशा चल रही है, तो ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जिससे, या ऐसा कोई इंसान मिले जिससे आपको बहुत प्यार हो जाए। और वो जो ग्रह है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के आदमी से आपका प्यार होगा, आदमी या औरत। जैसा मान लीजिए शुक्र है और आपका दशा चल रहा है, तो वो जो इंसान होगा हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, या स्टाइल बहुत करता हो वो ना, परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाता हो। अगर गुरु होगा तो ज्ञान उसमें भरा हुआ होगा, लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है ना, जिससे आपका प्यार होगा। और अगर शनि है तो हो सकता है वो उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा हो, और राहु केतु होगा तो ऐसा हो सकता है आपका धर्म अलग हो सकता है, या आपका कास्ट अलग हो सकता है, या आपकी संस्कृति अलग हो सकती है ना, उस टाइप की चीजें हो सकती है आपके में। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और अगर मान लीजिए आपके जिंदगी में सब ठीक चल रहा है और दसवें घर का दशा चल रहा है, मतलब कोई ग्रह आपके दसवें घर में है मान लीजिए, तो ये जो पांचवा घर है ये प्रमोशन भी बताता है, क्योंकि ये दसवें घर से आठवां है। ठीक है, तो आठवां घर जो है वो मौत का है, लेकिन वो पुनर्जन्म का भी है। तो मौत मतलब कि आपका जो कैरियर है वो खत्म होके आपको एक नया नया आपका प्रमोशन मिल रहा है, मतलब आप एक नया चीज शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा है, पुनर्जन्म हो सकता है आपके कैरियर का, या आपके कैरियर में चेंज हो सकता है, आप दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और एकादश से संबंध बना था तब बहुत ही बढ़िया है, तब तो और आपको नाम इज्जत शोहरत और बढ़ेगा आपका। और पांचवें घर से जो आपका गुरु है लगन पे दृष्टि डाल रहा है, नौवे पे दृष्टि डाल रहा है, तो आपके पिता से यदि आपके मन मुटाव है तो ये बहुत सही टाइम है उनको उसको ठीक करने का। घूमने जाइए अपने पिता या अपने गुरु के साथ ना, अपने गुरुजनों को भी नमस्कार करिए, जाके उनके पांव छुइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, और आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए उनसे। आशीर्वाद लेने या देने से कुछ नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें बचाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान आप लीजिए। फिर लगन को देख रहा है, तो
तो लगन आपका बुद्धि है, तो आपके बुद्धि को स्थिर कीजिए और इससे आप अपने जीवन को और सुधारिए। जो जो चीजें आपको पता है कि ये मेरे जीवन में ठीक नहीं जा रहा है, तो उन चीजों को आप सुधारिए, उन चीजों के साथ मत बैठिए, कभी समझौता मत कीजिए उन चीजों से जो आपके अनुकूल नहीं है। और उसके बाद एकादश को देख रहा है। एकादश तो आप जानते हैं कलयुग में सबसे प्रमुख घर है वो ज्योतिष में, क्योंकि वो लाभ स्थान है और आजकल सबको सबको लाभ चाहिए किसी भी तरह का ना, जैसा पैसा हो गया या गाड़ी हो गया या कुछ भी, या शादी हो गया या किसी भी प्रकार का लाभ, जैसा सबको बहुत चाहिए भौतिक स्तर पे। तो ये भौतिक लाभ का भी घर है, ये आध्यात्मिक लाभ का भी घर है। किसी भी घर से जब एकादश जुड़ता है तो उसका लाभ बताता है। तो 11वें घर से अगर आपकी दशा संबंधित है तब तो बहुत ही बढ़िया है आपका। और ये पंचम नवम और 11वें घर का जो ये संबंध है, ये अविश्वसनीय है गुरु का, ये सबसे बेहतर है। और इस एक साल को आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो चीजें आपको पसंद है उसको करिए, उसको उसमें और बढ़ोतरी लाइए और अलग अलग लोगों से मिलिए, ना दोस्तों से मिलिए, या आपके बच्चे जो है उनसे आपका जो संबंध है उसको और गहरा करिए। तो ऐसे आपको ये गुरु के गोचर का बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अभी आते हैं वर्गो लग्न पे, तो आइए चलते हैं अभी कन्या राशि की ओर। वर्गो असेंडेंट कन्या लग्न जो भी कह लीजिए आप, तो आपका जो गुरु का गोचर है वो हो रहा है चौथे घर में, और गुरु चौथे और सातवें घर का स्वामी है, और चौथे से गुरु आठवें दसवें और 12वें घर को दृष्टि डाल रहा है। तो अभी समझने का कोशिश करते कि गुरु क्या है यहाँ आपके कुंडली में। आपके कुंडली में कन्या लग्न में चौथा घर और सातवां घर का स्वामी, अर्थात आपका प्रॉपर्टी और आपकी पढ़ाई, आपके माता और आपके जो वाहन है गाड़ी, उससे संबंधित जो भी चीजें है वो सारा गुरु से देखा जाता है। और सातवां घर तो आप जानते हैं विवाह का है, आपके पति या पत्नी और आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है उससे भी देखा जाता है। तो अभी जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके चौथे घर पे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि चौथे घर में जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके लाइफ में क्या लेके आएगा? तो इसके लिए आपको आपकी जो दशाएं हैं उसको देखनी पड़ेगी। तो चौथे घर में गुरु का जो गोचर है वो दशा के अनुसार फलेगा। तो मान लीजिए आपकी जो दशा है वो गुरु की ही दशा चल रही है, ठीक है, कि तो गुरु आपके कुंडली में चतुर्थेश है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अंतर दशा, तो मान लीजिए महादशा आपकी गुरु की है और मान लीजिए अंतर दशा आपका शुक्र का चल रहा है जो कि 9वें घर में बैठा है आपके कुंडली में, तो ऐसा हो सकता है कि जब चौथे और 9वें का संबंध बने तो आप पढ़ाई करने एक दूसरे जगह में जाए। जैसे कि अगर आप 17-18 साल के हो तो आपका बैचलर्स स्टडी शुरू हो जाए, और अगर शनि मंगल जुड़ रहे हो उसमें तो इंजीनियरिंग हो सकता है। और अगर मान लीजिए 12वां घर आ जाता है उसमें तो ऐसा हो सकता है, और अगर शनि राहु केतु कोई भी ग्रह है उन महादशा अंतर दशा या प्रत्यंतर में से, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना पढ़ाई करने एक दूसरे देश में जाए, एक दूसरे कंट्री में जाके आप अपने इच्छा अनुसार वहां पे पढ़ाई करिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो और किसी वजह से आप अपने देश वापस आके यहाँ पे कुछ कोर्सेस करें, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए आपका 35 के आसपास उम्र है, 30 से 35 के बीच में, और आपकी शादी हो गई है, तो अभी जाहिर सी बात है आप घर तो लेना ही चाहेंगे इस समय, या लोन में या ईएमआई में या दूसरों के हेल्प लेके या अपने पैसे से खुद, तो जो भी कह लीजिए उसको। तो अगर मान लीजिए आपकी जो दशा है वो चौथे घर को बता रहा है और इसके साथ 11वां घर जुड़ रहा है और 12वां घर भी जुड़ रहा है,
क्यों 11 और 12वां? क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो क्या होता है, चौथा घर जो प्रॉपर्टी का है, लेकिन प्रॉपर्टी तो ऐसे हवा से नहीं आएगा, आपको उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। तो 12वां घर जो है खर्चे का है वो, और उसके बाद एकादश जो है 11वां घर वो लाभ का है। तो आपको खर्चे से आपको लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नुकसान हो रहा है, वो एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके वजह से अगर चौथा घर और 11वां और 12वां का संबंध बनता है, अगर मान लीजिए चतुर्थेश आपका 11वें में है या 12वें में है, ऐसा सोच लीजिए, और उसकी दशा चल पड़ी, तो ऐसा हो सकता है कि आप घर ले लें। और अगर आप घर ले रहे हैं तो वो जो ग्रह है वो शनि या मंगल होने चाहिए, या उनके साथ उनकी युति होनी चाहिए, मतलब एक साथ बैठने चाहिए, या शनि और मंगल उस पर दृष्टि डालना चाहिए, शनि या मंगल दोनों में से एक को। तो शनि का तो आप जानते ही है, तीसरा दृष्टि है, फिर सातवां दृष्टि है, फिर दसवां दृष्टि है। तो ऐसा सोच लीजिए कि मान लीजिए आपका जो चौथे घर का जो स्वामी है, मान लीजिए वो जो आपके कुंडली में गुरु है, तो वो अगर आपके 12वें घर में बैठा है, और ऐसा सोच लीजिए कि आपका जो शनि है मान लीजिए कि वो 10वें घर में, तो 10वें से वो चौथे घर को दृष्टि डाल रहा है, लेकिन चतुर्थेश जो गुरु 12वें में है अपनी तीसरी दृष्टि से शनि उसको दृष्टि डाल रहा है। तो इसलिए आप उस वो जो ग्रह गुरु की दशा में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सूर्य द्वादशेश है, मतलब 12वें घर का स्वामी है, वो आके आपके कुंडली में अगर चौथे घर में बैठा है और शनि 10वें से सूर्य को देख रहा है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदे। और अगर शनि के जगह मंगल देख रहा है तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है, जो 11वें घर का स्वामी है, वो आपके चौथे घर में बैठा है, और आपका जो शुक्र है वो 10वें घर में बैठा है। तो शुक्र जब भी किसी ग्रह को देखेगा जो चौथे और 11वें और 12वें घर को बता रहा है, तो आप घर खरीदने के जगह आप वाहन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे आप। अभी आप सोच रहे होंगे किस टाइप का गाड़ी मैं खरीदूं, या किस टाइप का गाड़ी मुझे खरीदना चाहिए। तो आप ये ऐसा देख सकते हैं कि आपकी जो दशाएं है वो किस किस टाइप की दशाएं है आपकी। तो अगर जो जो ग्रह बता रहा है कि आप गाड़ी खरीदेंगे, मान लीजिए ऐसा सोच लीजिए कि आपका चंद्रमा चतुर्थ में है और शुक्र जो है 10वें में है, तो शुक्र अपनी दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पे, चतुर्थ भाव पे, तो उस समय आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है नैसर्गिक रंग, मतलब रंग नहीं बोल सकते आप, चंद्रमा को सफेद रंग जो वो पसंद है, तो इसके वजह से अगर चंद्र महादशा में आप गाड़ी खरीदे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सफेद रंग वाली गाड़ी खरीदना ज्यादा पसंद है। मान लीजिए मंगल वहां बैठा है, शुक्र से दृष्टि ले रहा है वो चौथे घर में, और मंगल कहीं से तो चौथा 11वां और 12वां घर बता रहा है, तो आपको लाल रंग का गाड़ी खरीदने का मन करेगा। और अगर शुक्र स्वयं बैठा है तो आपको सिल्वर कलर जो है ना, अर्जुन जो कलर बोलते हैं सिल्वर, वो उस रंग का गाड़ी खरीदने का मन करेगा आपको। और शनि है तो काले रंग का खरीदने का मन कर सकता है, या आपको नीला रंग भी पसंद आ सकता है, नीला रंग का गाड़ी खरीदने का मन कर सकता है। राहु केतु है तो थोड़ा काला और वो ग्रे कलर जो बोलते हैं वो आपको पसंद आ सकता है। और बुध अगर संबंध कर रहा है तो वो ग्रीन कलर होगा ना, तो ऐसे आपको पता लग सकता है कि किस कलर का गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ। और अभी ये कैसे पता चलेगा आप किस टाइप का गाड़ी खरीदेंगे, मतलब कि कलर तो आपको पता चल गया, लेकिन वो जो छोटी नॉर्मल गाड़ी है वो खरीदेंगे, या जो सिडान है बड़ा वाला, या जो एसयूवी उससे भी बड़ा है वो वाला खरीदेंगे, या लग्जरी कार खरीदेंगे। तो जो भी ग्रह आपकी गाड़ी बता रहा है कि आप गाड़ी खरीदेंगे, मान लीजिए वो ग्रह गुरु या चंद्रमा से युति में हो, तो आप 100% बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, जो लग्जरी व्हीकल जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लग्जरी के कारक है, गुरु और चंद्र। तो मान लीजिए आपका गुरु जो है वो 12वें घर में है, तो चतुर्थेश होके 12वें में गया, और मान लीजिए चंद्रमा आपके 11वें घर का स्वामी जो चतुर्थ में बैठा है, ऐसा मान लीजिए, तो
अभी तो दोनों गुरु और चंद्र दोनों ही आ गए, तो फिर जैसा गुरु तो आप जानते हैं जो आपका येलो येलो कलर है वो बताता है, और फिर चंद्रमा सफेद बताता है, तो शायद आपको लाइट येलो वैसा कलर का पसंद आ जाए, और हो सकता है आपको बड़ी बड़ी एसयूवी या ना सीडान वो लेने का मन करे, लग्जरी व्हीकल लेने का मन करे, तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आपका ये चौथा घर जो है ये आपको क्या क्या देगा, मतलब आपको कुछ भी दे सकता है, आपकी दशाओं में जो है वो भी दे सकता है। और अगर आपकी जो दशाएं है चौथे और पांचवे और नौवे से लिंक्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए जाए, जैसा पहले मैंने बताया बैचलर, अभी हो सकता है आप मास्टर डिग्री करने जाए, और बारहवा घर आ गया है तो दूसरे देश में जाके आप करें, तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा, और घर भी आप खरीद सकते हैं। और मान लीजिए आपका शनि और शुक्र दोनों बैठा है, तो आप गाड़ी खरीदेंगे कि घर खरीदेंगे, तो उस पर आपको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्योंकि कन्या में अगर शुक्र बैठा है आपके मतलब मान लीजिए चौथे घर में कन्या लगन के लिए आपका जो शुक्र बैठा है वहां पे, तो फिर ये तो शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा ये स्थान मैं तो कहूंगा नहीं है, क्योंकि धनु राशि वहां पे आता है जो शुक्र को उतना पसंद नहीं है, तो शायद आप गाड़ी खरीदने की जगह आप घर खरीद ले क्योंकि शनि वहां बैठा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ मैं अनगिनत, तो आपकी दशाओं से आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या होगा, और वहां से आठवें दसवें और बारहवें घर को दृष्टि डालेगा, तो आठवां और बारहवां तो आपको पता ही है मोक्ष त्रिकोण है, चौथा भी मोक्ष त्रिकोण में से एक है, तो अभी पढ़ाई रिसर्च वगैरह करने के लिए ना आठ बारह जैसा है वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आठवां घर जो वृश्चिक राशि का है जो जमीन के नीचे, और बारहवां घर मीन राशि है जो समुन्दर है ना समुन्दर के नीचे, तो कोई भी एरिया में डेप्थ में जाने के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा दसवें घर को भी देखेगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप जो जो नई नई चीजें सीख रहे हैं उसको आप अपने कैरियर में लेके जा सकते हैं, उसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं, या अगर आपके कैरियर में आगे जाने के लिए आपको कोई एक किसी स्किल की आवश्यकता है, तो फिर आप वो स्किल आप करिए घर में, जब ऑफिस आते हैं या वीकेंड्स में आप कर सकते हैं शनिवार रविवार को, उसके बाद आप किसी नए जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो प्रमोशन मिलने के भी चांसेस है, तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। धन्यवाद, अभी मैं ये शेयर बंद कर देता हूँ। नमस्कार, तो अभी चलिए चलते हैं तुला लग्न पे, या तुला राशि जो भी आपकी है, तो ये स्क्रीन मैंने फिर से शेयर कर दिया है, तो यहाँ पे जो तुला लग्न है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुरु तीसरे घर का स्वामी है, छठे घर का स्वामी है, और तीसरे घर में गुरु गोचर कर रहा है, और गुरु जो है सातवें और नौवे और ग्यारहवें घर को दृष्टि डाल रहा है वहां से, तो तीसरा घर जो है तीसरा घर ऐसी चीजों को बताता है जो बहुत कम टाइम के लिए आप करते हैं, और ये यूट्यूब का भी है, लिखने का भी है, पूरा सोशल मीडिया जो है ये तीसरे घर के अंदर आता है, और तीसरा घर जो है आपको पता है छोटी 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 यात्राओं का भी है, जो जो यात्रा आप 24 से 48 घंटे के बीच में करते हैं, मान लीजिए आप बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं या पुणे से बॉम्बे आ रहे हैं, तो वैसी यात्राएं जो है वो तीसरे घर के अंदर आएगा, वो छोटी छोटी यात्राएं जो आप करेंगे, तो इसका प्रॉफिट आपको ये मिलेगा कि अभी आप वैसी यात्राएं कर सकते हैं जो आप खुद कभी करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए आप कोई वेकेशन में जाना चाहते थे तो वैसा वेकेशन में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो बहुत दूर है वो भी हो सकता है, वो कब हो सकता है, जब आपकी जो दशाएं हैं वो नौवें घर और बारहवें घर से संबंध बना रही है, तो ये जो तीसरा घर है तब आपको छोटी यात्राएं ना देके हो सकता है बड़ी यात्राएं दे, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आप कोई नया पुस्तक लिखे तो आप पुस्तक लिख सकते हैं, जैसे अमेजोन में आप खुद ही पब्लिश कर सकते हैं, सेल्फ पब्लिश बोलते हैं उसको, तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपका अगर ऑलरेडी कोई, जैसे आप मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर आपकी दशा पांचवे या नौवे घर या चौथे घर को बता रही है, तो
ऐसा हो सकता है कि आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसमें आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दे, और अगर नौवां बारहवां घर संबंधित है तो ये हो सकता है कि आप एक दूसरे देश में जाके वो रिसर्च पेपर पब्लिश करें, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी दशा जो बताएगी उसके अनुसार होगा। और तीसरा घर आपको पता है जो आपके छोटे भाई बहनों का है, तो मान लीजिए आपकी जो दशा है वो दूसरे घर से संबंधित है या 11वें घर से या चौथे घर से, तो इस समय में या तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको अचानक ये अंदर से ये भावनाएं आने लगेंगी कि वो मेरा छोटा भाई कहाँ है, छोटी बहन कहाँ है मेरा मेरी, तो उनसे मैं जाके मिलूं, उनसे मैं जाके संबंध बनाऊं। और अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में ना छोटा छोटा किसी का जन्म हो सकता है, खैर, और ये आपके दशा पे निर्भर करेगा कि क्या हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो छोटे भाई बहन है उनके उनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि या ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ मनमुटाव रहा हो किसी छोटे के साथ, तो अभी आप उसको सुलझा लीजिए और उसमें आप अपने संबंध को और बेहतर बनाइए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि तीसरा घर में कैसी कैसी चीजें हो सकती है। और अगर आपकी जो दशा है मान लीजिए वो तीसरे घर और 10वें घर से संबंधित है, तो फिर आप और दशा में से आपके जो ग्रह है वो शुक्र है या आपके बुध जैसे ग्रह है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना इंस्टाग्राम में नया पेज शुरू करे या यूट्यूब में नया चैनल शुरू करे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आपका चैनल है ऑलरेडी जो यूट्यूब में है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने कोई किताब लिख के रखा होगा और वो उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है, लेकिन अचानक इसके आते अगर आपकी दशा 10वें घर को बता रही है, को सिग्निफाई कर रही है और 11वें घर को भी सिग्निफाई कर रही है, और मान लीजिए दूसरे और छठे को भी दे रहा है दशा में, तो हो सकता है वो जो किताब आपने लिखा है अचानक वो किताब बहुत फैल जाए और वो ना जैसा बेस्ट सेलर बोलते हैं अमेजोन में वैसा हो जाए, तो ऐसी चीजें हो सकती है। और आपकी दशाएं बताएंगी कि आपकी जो छोटी यात्राएं होंगी वो किस लिए होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी दशा छठे घर को बता रही है, तो हो सकता है कोई कोर्ट केस आपका चल रहा हो तो उसके चक्कर में आपको ट्रेवलिंग करना पड़ जाए ना, या 7वें घर की दशा चल रही है तो हो सकता है आपको विवाह के लिए कहीं जाना पड़े ना, आपका घर जाना पड़े शादी करने के लिए, या मान लीजिए आपका जो है चौथा घर चल रहा है तो हो सकता है पढ़ाई करने के लिए आपको जाना पड़े, या द्वादश है तो कोई कॉन्फ्रेंस में आप जाए ना। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। फिर चौथे घर का भी स्वामी है गुरु, तो चौथा छठे घर का स्वामी है, तो छठा घर तो आपको पता ही है क्या है, वो आपके स्वास्थ्य का है, तो अपना स्वास्थ्य को ठीक रखिए। और अलग अलग प्रक्रियाएं जो है, अगर आपका सूर्य बलवान है तो आप एलोपैथी में ट्राई कर सकते हैं, फिर अगर आपका चंद्रमा बलवान है तो आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका शनि बलवान है तो आप आयुर्वेदा ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप ट्राई करिए, आप देखिए आपकी दशा में क्या चल रहा है। और इसके अलावा ये कंपटीशन वगैरह अगर आप जीतना चाहते हैं, और तीसरा घर जो है इंटरव्यू का भी है, तो तीसरा और छठे का जो संबंध है वो ये बता सकता है कि आपके इंटरव्यूज वगैरह में आपको सक्सेस मिलता है। और अगर आप कोई नई इंटरव्यू देना चाहते हैं किसी बड़े कंपनी में, अगर आपकी गुरु या शुक्र या बुध की दशा चल रही है या चंद्रमा की भी चल रही है जो शुभ ग्रह है, उनकी दशा अगर चल रही है और 10वें और 11वें घर का से वो ग्रह संबंध बना रहा है, मतलब कि 10वें में बैठे या 11वें में बैठे, तब तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए, किसी एक बड़े कंपनी में आप अपना नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसी कंपनी में आप है तो आप एक सीनियर पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजर या सीनियर मैनेजर या उससे भी ऊपर है तो जो भी आपके कंपनी में है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है और उसमें आप उसको आप सोशल मीडिया में लाना चाहते हैं, यूट्यूब में चैनल खोलना चाहते हैं, फेसबुक पेज खोलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सही टाइम है वो करने का। और उसके बाद जो
गुरु है, ये सातवें घर को दृष्टि डालेगा। तो अगर आपकी जो दशाएं है वो दूसरे सातवें और ग्यारहवें घर को बता रही है, तो 100% आपका विवाह हो सकता है, 100%। और उसके बाद आपका नवे घर को दृष्टि डाल रहा है, तो नवा घर जो है आपको पता है ये धर्म ज्ञान आध्यात्म और गुरु का है। तो अगर आपकी दशा चौथे या पांचवे या नवे घर को बता रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो है गुरुओं से आपके संबंध बेहतर हो जाए, या किसी नए गुरु से आप जाके मिलिए, तो ऐसी चीजें भी हो सकती है आपकी लाइफ में। और एकादश तो आपको पता ही है, वो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका है एकादश, आपके जो नेटवर्क सर्कल है आपका, जिन लोगों से आप उठते बैठते मिलते जुलते हैं वो लोग हैं आपके दोस्त लोग हैं एकादश ना, तो आपके नए नए दोस्त आप बन सकते हैं। और अगर पांचवा घर भी संबंधित है तो वो फिर आप एक ऐसे डांस क्लास जा सकते हैं ना, या आप ऐसे जगह जा सकते हैं जहाँ पे लोग गाना गाते हैं, या कोई भी नया क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसी चीजें आप कर सकते हैं कि आपको अंदर से लगे कि मेरी जिंदगी जो है वो और ऊपर जा रही है और बेहतर होती जा रही है मेरी जिंदगी। तो जो भी चीज आपको लगे कि मुझे लाभ होगा इससे, वो चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके दशा के अनुसार ये पता चलेगा कि ये तीसरा घर जो गुरु का गोचर जहां हो रहा है वो किस तरह के इसके परिणाम आएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि जहां पे गुरु महाराज अभी फिलहाल भ्रमण कर रहे हैं, और गुरु दूसरे घर का स्वामी है, पांचवें घर का स्वामी है, और गुरु महाराज दूसरे घर में इनके प्रवेश करने वाले हैं बहुत जल्द ही, और वहां से छठे आठवें और दसवें घर को दृष्टि डालने वाले हैं। तो अभी दूसरा घर जो है आपका कुटुंब है, आपका जो घर है वो है। फिर आपका जो पांचवा घर है वो तो आपको पता ही है, वो प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है, आपके जो हॉबी है हॉबीज है उसका है, आपके जो प्रेम संबंध है वो भी पांचवें घर से देखे जाते हैं, और उच्च शिक्षा जो है वो ज्ञान जो है आध्यात्म जो है वो भी पांचवें घर से देखा जाता है। तो अभी आपका गोचर हो रहा है दूसरे घर पे, तो अभी आपका दूसरे घर में जो गोचर हो रहा है ये कुछ भी दे सकता है आपको। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा शादी होगा या मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि दूसरा घर शादी विवाह भी करवा सकता है या आपको पैसे भी दे सकता है, क्योंकि वो दोनों चीजें बताता है, ठीक है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, तो आप देखिए कि आपकी जो दशाएं चल रही है वो जो ग्रह है वो क्या बता रहे हैं। तो मान लीजिए जैसा आप वृश्चिक लगन के हैं, तो मान लीजिए आपकी गुरु महादशा चल रही है, ठीक है, तो गुरु दूसरे घर का स्वामी हो गया। और मान लीजिए आपका जो सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य आपके कुंडली में दशमेश है, दसवें घर का स्वामी है, तो अगर गुरु और सूर्य की दशा चल रही है तो ये बहुत सारा पैसा दे सकता है आपको। और अगर ऐसा है कि मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि मंगल छठे घर का भी स्वामी है आपका, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी आपको बहुत सारे बहुत धनराशि प्राप्त हो, कोई नया ऐसा जॉब मिल जाए या आपकी किस्मत खुल जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए गुरु शुक्र या ये आपके जो शुभ ग्रह है बुध और चंद्र ऐसे ग्रह हो, तो आपकी ऐसा हो सकता है अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो बहुत बड़ी कंपनी में आपका जॉब लग सकता है, और बहुत ही एक प्रतिष्ठित पद पे आप स्थापित हो सकते हैं। दसवां और ग्यारहवें घर का संबंध अगर बन रहा है आपकी दशा में, ठीक है, तो ये जबरदस्त रहेगा आपके लिए। लेकिन अभी मान लीजिए आपकी दशा चल रही है गुरु की महादशा चल रही है, और मान लीजिए शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो आप सोच रहे होंगे मैं शुक्र का क्यों बोला, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में आपके लगन के लिए सप्तमेश है, वृश्चिक लगन के लिए वृषभ राशि सातवें स्थान में आता है। तो अभी जो दूसरा घर है जिसकी महादशा चल रही है गुरु की, अंतर्दशा सातवें घर की चल रही है, और मान लीजिए आपका जो प्रत्यंतर है वो चंद्रमा का चल रहा है, और चंद्रमा बैठे हैं आपके ग्यारहवें स्थान में, ठीक है। तो ये 2, 7, 11 का जो संबंध हो गया ये
शत प्रतिशत आपको विवाह दे सकता है, क्योंकि दूसरा घर जब सातवें घर और 11वें से मिलता है तो ये विवाह बताता है, क्योंकि जब आपका विवाह होता है तो आपके घर में एक आपके जो परिवार है उसमें एक नए आदमी का वो आह्वान होता है, तो वो उसमें जुड़ जाता है ना। तो इसके वजह से अगर सातवां घर से दूसरा घर संबंध कर रहा है तब ये बताएगा कि आपका विवाह हो रहा है। और मान लीजिए आठवां और पांचवां घर भी संबंधित है आपकी दशा में ना, जैसे मान लीजिए आपका जो गुरु है वो आठवें घर में है, और मान लीजिए तब आपकी गुरु अंतर्दशा चली और शुक्र महादशा चल पड़ी, तो यहाँ पे क्योंकि पंचम और अष्टम का संबंध बन रहा है, पंचमे अष्टम में है तो आपका प्रेम हो सकता है, और फिर सप्तमेश की अंतर्दशा चल पड़ी शुक्र की, तो वो जो आपका प्रेम है विवाह में वो तब्दील हो जाएगा, तो ये प्रेम विवाह का योग आपका बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अरे दूसरा घर प्रेम का थोड़ी है, दूसरा घर में जाते मेरा प्रेम विवाह कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है। या अगर चौथे या नौवे घर से संबंधित है आपकी दशा है सातवें घर का, तो ऐसा हो सकता है आपके माता या पिता आपको कहीं से ये बताए कि ये लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, जाके एक बार मिल लो फिर आप डिसाइड करें, तो वो अरेंज मैरिज हो गया ना, जैसा भारत में होता आया है हमेशा, तो ये आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। और मान लीजिए आपका पांचवा घर की दशा चल रही है और गुरु गुरु जैसे ग्रह की दशा चल रही है ना, क्योंकि गुरु जो है पुत्र या पुत्री जो संतान का भी कारक है, तो अगर आप शादीशुदा है और पंचम भाव की दशा चल रही है ना, तो यहाँ पे तो गुरु स्वयं ही पंचमेश है, तो गुरु की अगर दशा चल रही है और अगर आप शादीशुदा है तो आपका संतान प्राप्ति हो सकता है आपका। और अगर आपका जो दशा है वो नवे या 11वें घर से संबंधित है तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक दूर दूसरे देश में आप जा सके ना ज्ञान लेने के लिए, आपको हायर एजुकेशन के लिए जा सके, क्योंकि पांचवा घर जो है वो ये भी बताता है कि आपकी उच्च शिक्षा कहाँ होगी ना, और नौवा घर तो धर्म वगैरह है तो वो तो और भी ऊपर वाली चीजें हैं। तो गुरु वहां से छठे घर को दृष्टि डालेगा, अष्टम भाव को दृष्टि डालेगा, दशम को दृष्टि डालेगा, तो छठा भाव जो है वो कंपटीशन के लिए बहुत सही है, किसी भी तरीके का कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल सकता है। और ये जो आपका अष्टम भाव है ये आपका ये बताता है जैसे अनअर्न मनी ना, आपको इंश्योरेंस मिल सकता है या म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट हो सकता है, फिर आपको पीएफ वगैरह मिल सकता है, या अगर आपकी दशा आठवें और 11वें से संबंध बना रही है तो हो सकता है आपकी लॉटरी वॉटरी भी लग सकती है इसमें। और दसवां घर तो आपको पता ही है वो हमारे नाम शौहरत पद प्रतिष्ठा इज्जत उसका है, तो क्योंकि गुरु सारे अर्थ त्रिकोण में अपना दृष्टि डाल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपकी दशाएं बता रही है छठे दसवें या 11वें घरों को, तो आपके जो धन राशि है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आप सोचते रह जाएंगे दंग रह जाएंगे कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मेरे पास, तो ये आपके दशा के अनुसार आपको पता चलेगा ये दूसरा घर जो है ये मुझे विवाह देगा या पुत्र देगा या पुत्री या कोई नया व्यवसाय देगा, बिजनेस पार्टनरशिप भी दे सकता है आपको, और आपको कुछ भी दे सकता है दूसरा घर, इतना सारी चीजों को बताता है ये। तो ये दशा जो बताएगी जिन घरों का संबंध बनेगा तो उस तरीके से आपको देखना है कि अंत में क्या होगा मेरे साथ, और तब आप ये गोचर देख सकते हैं। तो पहले दशा को देखिए फिर गोचर को देखिए, ठीक है। अभी आ जाता है धनु राशि पे जिसके लगन में गुरु महाराज प्रवेश करने वाले हैं। तो गुरु महाराज आपके लगन के स्वामी हैं और आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, और आपके लगन में आने वाले हैं और पंचम सप्तम नवम को दृष्टि डालने वाले हैं। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि गुरु जिसके भी लगन में हो उसके हजारों दोष मुक्त हो जाता है वो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दोष आपको लगते नहीं है अगर कोई समस्या है, इसका अर्थ ये है कि
आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी आप वो उसका उसका हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है शुभ ग्रह है। तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको बताएंगे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसे आप आपके समस्याओं से बाहर आ जाइए। तो ये फिर आपके जो गुरु महाराज है वो भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं ना कि ऐसा करो, और आध्यात्मिक स्तर पे जाके आप और भी उन्नति कर सकते हैं। तो लेकिन हम रह तो रहे इस भौतिक संसार में ही, तो हमें जब लगन में गुरु आएगा तो लग्नेश लगन में आ रहा है हमारा, ठीक है आपका, तो ये जो होगा ये आपके आपका जो पूरा जिंदगी है जो पूरा जीवन है, लगन सारी सारे घरों का सार है ऐसा सोच लीजिए। तो आपकी जो बुद्धि है उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको लगेगा कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें एक अच्छा चीज यह है कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, आत्मविश्वास। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप में अहंकार आ सकता है, आप में प्राइड ईगो ये सब आ सकता है। तो ये सब मत आने दीजिएगा, एक हेल्दी कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो चाहता हूँ लाइफ में वो मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा अपने साइड से। जैसा कृष्ण गीता में कहा है ना अर्जुन को कि तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो ये बहुत ही सही टाइम है आपके जीवन में, आप जिस भी एरिया को आप जिस भी जगह को आप ठीक करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में उस एरिया को आप ठीक करें। क्योंकि अभी क्या होगा, क्योंकि लगन में गोचर कर रहा है गुरु, तो पांचवे नौवे को दृष्टि डालेगा गुरु वहां से, तो आपके पूर्व जन्मों से जितने भी आपके पुण्य सबको निकालेगा गुरु, ठीक है, और निकाल के आपके पास लेके आएगा, फिर नौवे घर से आध्यात्मिक ज्ञान लेके आएगा आपके पास। और आपकी दशा जो बोल रही है, अभी लगन में बैठे है तो कुछ भी हो सकता है, लगन में तो हजारों चीजें हो सकती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो अगर आपकी जो दशा है वो दूसरे सातवें या ग्यारहवें घर को बता रही, तो हो सकता है आपका विवाह हो जाए, क्योंकि गुरु सातवें घर को भी देख रहा है यहाँ से, ये मत भूलिएगा। और लेकिन ये जो विवाह होगा ना ये आपको ये बहुत ही शुभ होगा आपके लिए, क्योंकि ये तब हो रहा है जब गुरु लगन में गोचर कर रहा है। तो अगर आपकी जो दशा है वो चौथे घर से संबंधित है या पांचवे या नौवे घर से संबंधित है, तो ये जो दशा है ये जो गोचर है उस दशा में आपको पढ़ाई की तरफ लेके जाएगा। अगर नौवा और बारहवा घर का संबंध है तो आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, दूसरे देशों में ले जाके आपको उच्च शिक्षा दिलवा सकता है ना, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। और ये चौथे घर का भी स्वामी है आपका जो गुरु है, तो चौथा घर जो है वो भी ज्ञान का है, वो जो हम पढ़ाई करते हैं उसका है, स्कूल का है, वो माता का है, प्रॉपर्टी का है। तो मान लीजिए आपकी जो दशाएं चल रही है वो चौथे घर से संबंधित है और ग्यारहवें और बारहवें घर से संबंधित है, तो आपका जो गुरु ये लगन में आएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, ठीक है, और प्रॉपर्टी के लिए आपको शनि और मंगल चाहिए किसी भी हाल में। मतलब कि जिन दशाओं में अगर आपका चौथा घर और ग्यारहवा और बारहवा घर संबंध बना रहा है उससे वो ग्रह या तो शनि हो या मंगल हो या उनसे या शनि मंगल के दृष्टि में हो, या तो वो ग्रह शनि मंगल के साथ बैठे हो उसी घर में उसी राशि में, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, घर मिल सकता है। और अगर स्पेसिफिकली शुक्र अगर चौथे घर से संबंध कर रहा है और शुक्र की दशा चल रही है तब तो ये गाड़ी ही बताएगा। अगर शुक्र ग्यारहवें और बारहवें घर से संबंध बना रहा है किसी भी तरीके से और चौथे घर से, तो आपको ये गाड़ी मिलेगा। और अगर आपके जो शुक्र है उस पे अगर मान लीजिए गुरु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है तो आप बहुत बड़ा गाड़ी लेंगे, जो SUV होता है ना, सीडान होता है वो, जो डिक्की वाला बड़ा वाला वो लेंगे। और अगर मान लीजिए शनि या राहु या केतु हो तो ऐसा हो सकता है आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले, और अगर आप घर ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप शनि राहु केतु है तो आप ऐसी जगह घर ले सकते हैं जो जो इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है ना, तो जो थोड़ा जैसा अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉश इलाका हो, नहीं हो जैसे ना शनि राहु केतु में, हो सकता है आप पॉश इलाके में ना जाए, आप एक ऐसे इलाके में जाए जो उतना ठीक से विकसित नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए चंद्र सूर्य या गुरु या बुध
या शुक्र ऐसे ग्रहों की दशा चल पड़े, और अगर ये चौथे 11वें 12वें से संबंध बना रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप जो घर ले बहुत बड़ा हो और ऐसे एक पॉश इलाके में हो, एकदम लोग बोलेंगे अरे कैसा जगह घर लिया है, एकदम टॉप का घर है ये तो, बहुत शानदार है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए। अगर आपकी दशा बता रही है कि आप घर खरीदेंगे तो अच्छी जगह घर खरीद सकते हैं। और जैसे विवाह का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर दूसरा सातवां का संबंध है, और अगर आपका पांचवा और आठवां घर का संबंध हो रहा है और फिर दूसरा सातवां ग्यारहवां घर आपके दशा में आ रहा है, तो आपका जो है प्रेम विवाह हो सकता है। पांचवा या बारहवा अगर संबंधित है, अगर पंचमेश अष्टम में है, और या तो बारहवा घर का स्वामी जो है वो पंचम में है, तो ऐसी ग्रहों की अगर दशा चल रही है तो आपका 100% लव होगा। और उसके बाद आपका दूसरा सातवां से अगर लिंक है तो वो आपका जो प्यार है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और अगर मान लीजिए छठा घर बीच में आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो वो शादी में कन्वर्ट करने के लिए, थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। और लगन जो है वो आपका जो शरीर है उसका भी है, तो अगर आप शरीर के संबंध में कोई भी चीज ऐसा करना चाहते हैं जो आपके शरीर में कोई रोग है उसको ठीक करिए, या आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं ना तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, या बाइबल या कुरान, जो भी कोई भी ऐसे ग्रंथ आप पढ़िए, फिर आपको अंदर से सुकून मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। और अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं, या अगर आपके कुंडली में जैसा सूर्य बलवान है तो आप एलोपैथी में जा सकते हैं, या आपका अगर शनि बलवान है तो आयुर्वेद काम करेगा आपके लिए, और मान लीजिए आपका चंद्रमा ज्यादा बली है तो आपके लिए होम्योपैथी जबरदस्त काम करेगा। तो ये जो गोचर आपके में हो रहा है ये 12 साल में एक ही बार होगा आपके लगन में, तो गुरु अब लगन पे आ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, अपने हाथ से इसका पूरा लाभ उठाइए और वो सारे काम करिए जो आपके दशा बता रही है, और पॉजिटिवली करिए, खुशी खुशी से करिए। दुख भी आएगा तो खुशी खुशी उसका स्वागत करिए कि एक दिन सुख आएगा और हम इस दुख से परे जाएंगे, क्योंकि सुख और दुख तो आते ही रहता है सबकी जिंदगी में। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हमेशा ही सुख या हमेशा ही दुख है। ठीक है, तो अभी चलते हैं मकर लगन की ओर, मकर राशि। तो मकर लगन में गुरु जो है ये तीसरे घर का स्वामी है और 12वें घर का भी स्वामी है, और 12वें घर में गुरु का गोचर होने वाला है, और वहां से चौथे छठे या और आठवें घर को दृष्टि डालने वाला है। तो तीसरा घर और 12वां घर जब भी संबंध बनाता है तो लंबी दूरी की यात्रा बताता है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 12वां घर में तो गुरु जा रहा है, लेकिन होगा क्या मेरे साथ? 12वें घर में तो हजारों चीजें हो सकती है आपके साथ, जैसे आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, आपका पैसा नुकसान हो सकता है, या आपका प्रेम संबंध बन सकता है किसी से, या आप फॉरेन जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे तो इसमें होगा क्या मेरे साथ? तो अभी आपको क्या देखना है कि आपकी दशा क्या बता रही है। तो आपकी दशा अगर तीसरे 9वें या 12वें से संबंध बना रहा है तो ये लंबी दूरी की यात्रा बताएगा, या फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स, बार बार इधर से उधर आते जाते रहेंगे, वो वैसी चीजें बताएगा। या अगर तीसरे 9वें और 12वें से आपकी दशा संबंधित है तो, और मान लीजिए आपकी जो दशा है वो चौथे 11वें और 12वें से संबंधित है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और अगर मान लीजिए शुक्र उसमें जुड़ गया तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, और अगर शनि या मंगल जुड़ गए तो आप प्रॉपर्टी ही खरीदेंगे। और मान लीजिए आपका जो ग्रह जिसकी दशाएं चल रही है वो ये बता रही है कि आपका चौथा घर, 9वां घर और 8वां घर की दशाएं आपकी चल रही है, तो ये रिसर्च बताएगा, क्योंकि 12वां घर और 8वां घर जो है रिसर्च है वो एकदम, क्योंकि 8वां घर आप जानते हैं वृश्चिक राशि है तो एकदम जमीन के नीचे जो रहता है, और 12वां राशि जो आपको पता है मीन राशि, एकदम समंदर, मतलब उससे भी और नीचे। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो आपको ये मौका मिलेगा कि मैं
अपने कैरियर में जो भी कर रहा हूँ अपने कर्म स्थान में, तो मैं और डिटेल में करूँ उसको, और ठीक से करूँ, और अच्छे से करूँ। और ये और भी एक अच्छा समय है कि अगर आप कोई भी नया कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपके दशा जो है चौथे नौवे या 11वें घर से संबंध बना रही, तो ये रिसर्च एजुकेशन ये सब बताएगा। तो कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और फिर तीसरा घर जो है, मैं टेक्नोलॉजी की क्यों बात कर रहा था, क्योंकि गुरु आपके तीसरे घर का भी स्वामी है। तो अगर पढ़ाई या रिसर्च बता रहा है तो आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। और अगर 10वां घर और 12वां 11वां घर अगर आपके दशा में आ रहा है, 10 11, तो आपको नया नौकरी भी मिल सकता है। और 12वां घर है तो आपको फॉरेन में नौकरी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में जाके, दूसरे देश में, वहां पे आपको बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। और जो ग्रह का जो कारकत्व है, जो जिस तरह के वो ग्रह है, उस तरह के चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपका गुरु जो है वो 10वें घर में है या 11वें घर में है आपके कुंडली में, और गुरु की दशा चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर जाके एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगे। क्योंकि बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा एक बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा। आपको कोई स्टार्टअप में भी जॉब मिल सकता है, या कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जहाँ पे बहुत कम लोग हो, या जिसपे जो उतना ठीक अवस्था में नहीं है ना जो। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु हो, या चंद्रमा हो, या आपका शुक्र हो, या आपका बुध हो, ऐसे जो शुभ ग्रह है, तो इनकी जब दशाएं चलेगी, अगर 10वें 11वें से संबंधित है और 12वां और तीसरा घर भी आ गया, तो जो जो बाहर में आपको जो जॉब मिलेगी, बहुत बड़ी जॉब मिलेगी। वो ऐसा हो सकता है कोई गूगल हेडक्वार्टर या माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर, ऐसे जगह में आपको जॉब मिले, या कोई भी हो सकता है। मैं आईटी फील्ड से हूँ तो मेरे जहन में वही चीजें आएगी, आपको तो पता ही है। तो ये कुछ भी बता सकता है आपके दशा के अनुसार जो होगा। और 5वां घर अगर संबंधित है तो ये 100% प्रेम बताता है। और अगर मान लीजिए दूसरा घर इसमें जुड़ गया, 7वां घर जुड़ गया और 11वां घर जुड़ गया, तो आपका वो जो प्रेम है वो विवाह में वो तब्दील हो जाएगा। और ये आपका पूरा प्रेम संबंध जो है बिना रुकावट के विवाह में ये तब्दील हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 6ठा घर आ गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, तो थोड़ा और आपको मेहनत करना पड़ेगा कि विवाह कर लूं मैं इस लड़का या लड़की से। और मान लीजिए आपका यहाँ जो दृष्टि गुरु की पड़ रही, चौथे घर में पड़ रही है, तो जैसा मैंने कहा कि अगर पढ़ाई की दशा आपकी चल रही है चौथे पांचवे नौवे की, तो ये बहुत अच्छा है नई नई खोज करने का, आविष्कार करने का। आपके जो फील्ड है उसमें आप वैज्ञानिक ना भी हो, तो आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है तो कोई ऐसी चीज आप लिख सकते हैं जो कभी किसी ने लिखी नहीं हो, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग आप लिख सकते हैं ना। फिर छठे घर में गुरु की दृष्टि है, तो छठे घर में गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरे लाइफ में कोई भी कंपटीशन आए या कोई भी प्रतियोगिता में मैं जीत जीत हासिल कर सकूं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। और 8वां घर तो आपको पता ही, ये फिर से रिसर्च का है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का भी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं अंग्रेजी में ना, आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो वैसी वैसी धर्म आध्यात्मिक से संबंधित चीजें हो सकती है। अगर आपका चौथा घर 5वां या 9वें से संबंध बना रहा है, तो आपको ज्योतिष में भी आपका रुझान बहुत बढ़ सकता है, और ज्योतिष में आप नई नई चीजें सीख सकते हो। सकता है आपका 9वां और 12वां घर का संबंध है, तो ऐसा संभव है कि आप दूसरे जगह जाके एक दूसरे गुरु से आप चीजें सीखो ना, तो ऐसी चीजें हो सकती है। और अगर शनि राहु केतु है तो ऐसा हो सकता है कि आप जो दूसरे जगह जा रहे हैं वो गुरु जो है वो एक दूसरे धर्म के हो ना, या दूसरे संस्कृति, दूसरी सभ्यता से हो, तो वहां की चीजें आप सीख सकते हैं। तो आपकी दशा के अनुसार ये तय किया जाएगा कि आपके 12वें घर में ये जो गुरु का गोचर है वो क्या देगा। तो अभी इसको मैं पॉज करता हूँ, तो चलिए अभी चलते हैं कुंभ राशि जो एक्वेरियस है उसकी ओर। तो कुंभ राशि में यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा घर
ग्यारहवा घर गुरु जिसका स्वामी है, फिर ग्यारहवें घर में गुरु का गोचर हो रहा है, और वहां से तीसरे पांचवें और सातवें घर पे गुरु की दृष्टि है। तो गुरु का जो ग्यारहवें घर पे दृष्टि जो गोचर हो रहा है आपका, ये भी 12 साल में एक बार होगा। और ग्यारहवा घर कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो लाभ का स्थान है, ये वो बताता है कि हमें किस जगहों से लाभ होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ग्यारहवें घर में तो गुरु जा रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा किस चीज में मुझे लाभ होगा, कैसी चीजें मुझे मिलेंगी। वैसे तो ये काम भाव है, तो किसी भी प्रकार की लाभ या धन राशि या विवाह ऐसी चीजों को बताता है, लेकिन बस एकादश में गुरु के जाने से ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज का लाभ आपको होगा। आपकी दशाएं जो बता रही है, जिन घरों का लाभ बता रही है दशा, उन घरों से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। तो एकादश भाव जो है लाभ का है, और साथ साथ ये हमारे जो कलीग्स है, जो कंपनी में हमारे साथ काम करते हैं, जो हमें हमें और बेहतर बनाना चाहते हैं, या जो हमें हेल्प करते हैं और बेहतर बनने में ना, या हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो जिनके साथ बड़े बड़े डील्स हम साइन करते हैं, वह ये भी एकादश से देखा जाता है, बड़े भाई या बड़ी बहन, वैसे चीजें। तो अभी मान लीजिए आपकी जो दशा है वो चल रही है चौथे घर की, और नवा घर भी उसमें संबंध बना रहा है। तो मान लीजिए आपकी एक ऐसी ग्रह की दशा चल रही जो चौथे में है, और महादशा उसकी और अंतर दशा नवे घर की चल रही है, नवे घर में जो ग्रह बैठा है उसकी चल रही है, तो इसका जो लाभ है आपको मिलेगा पढ़ाई के क्षेत्र में। मान लीजिए आप 15 साल के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी 10th में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, और अगर आप मान लीजिए 20-22 के हो, तो आपका आप अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल में हो, तो वैसे में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जाएगी, या किसी भी स्तर पे आप कोई भी तरीके की पढ़ाई आप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं, आपकी उम्र है 25 से 30 के बीच में, तो अगर आपकी जो दशा है वो दूसरे सातवें या ग्यारहवें घर को बता रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका गुरु ही स्वयं दूसरे ग्यारहवें घर का स्वामी है, और मान लीजिए किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, क्योंकि सूर्य आपका सप्तमेश है आपके लग्न में, और गुरु की अंतर दशा चल पड़े उसमें, तो 2, 7, 11 का संबंध उसमें बन गया, तो इसके वजह से आपका विवाह होने का 100% योग बनता है। और मान लीजिए आपका ये पांचवा घर भी संबंध बना रहा है किसी प्रकार से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेम विवाह के आपको अवसर मिले, या पांचवा घर अगर आठवें या बारहवें से संबंधित है और उसकी दशा चल पड़े 2, 7, 11 के साथ, तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है। और यदि आपका 10वां घर चल रहा है दशा में, मान लो दशमेश, आपका दशमेश की दशा चल रही है, तो ये जो है अत्यधिक धनराशि या लाभ वैसी चीजों को बताएगा ये। और एकादश में किसी भी ग्रह का जो गोचर होता है वो अच्छा ही माना जाता है, शुभ ही माना जाता है, तो इसमें तो गुरु आ गया तो ये डबल हो गया, डबल शुभ बोल सकते हैं आप इसको, तो बहुत ही बढ़िया है ये गोचर आपके लिए। और अगर छठे घर से संबंधित है आपकी दशा, तो आपको कंपटीशन वगैरह में सक्सेस मिल सकता है। आप आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हो, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में आप जुड़ रहे हो, तो ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर छठा घर की दशा आपकी चल रही हो, छठे घर की और 10वें और 11वें से संबंधित हो, तो और अगर 10वां घर जुड़े जैसा मैंने पहले बोला, तो आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है, आपको काफी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है उससे। और उसके बाद से आपको
ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा आपको नेता बनने का आपको चांस मिला, अगर आपका लगन की दशा चल रही है और लग्नेश 10वें में या 11वें में है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में हो तो ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। और अगर आपकी दशा 5वें और 9वें, 5वें से संबंधित है या दूसरे घर से, और आपकी शादी हो गई है, तो आपका बच्चे का योग भी बन सकता है इसमें। तो ये दशा के ऊपर आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें। और मान लीजिए आपका चौथा घर का दशा चल रहा है और 11वां 12वां घर भी जुड़ गया उस दशा में, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। या ऐसा हो गया कि शुक्र वहां पे बैठा है आपके चौथे घर में, और मान लीजिए शुक्र में आपका गुरु चल रहा है, तो गुरु जो है वो 11वां घर आ गया, और मान लीजिए आपका शनि जो है 12वें घर में, तो तब हो सकता है आप गाड़ी खरीद ले। और अगर तीसरे घर की दशा आपकी चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर YouTube में है, जैसे मैं कोलैबोरेशंस करता हूँ दूसरे YouTube के लोगों के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे यूट्यूबर्स के साथ और कोलैबोरेट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई किताब लिखे जो बहुत फैल जाए, जो जिसको लोग बहुत पसंद करें, या आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है यूट्यूब में, या आप इंस्टाग्राम में अकाउंट खोल सकते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो आपकी दशा जो बताएगी, और अगर आपका 9वां और 5वें का संबंध है, तो आपको आध्यात्मिक स्तर पे भी बहुत उन्नति करने का चांस मिलेगा, बहुत आपको आध्यात्मिक तरक्की करने का मौका मिलेगा, किसी गुरु से आपको दीक्षा भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए, इसको इसको इसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, और आप अपने ज्ञान शक्ति को बढ़ाइए। आप अपने जो नेटवर्क सर्कल बोलते हैं हम, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों से आप तालमेल बना के रखिए, तालमेल बढ़ाइए, अलग अलग स्तर के लोगों से जाके मिलिए, अलग अलग जगह दूसरे देश में भी जा सकते हैं आप। और अगर 9वां 12वां 10वां घर आपके दशा में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है आपको इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिले ना। तो ऐसी चीजें आप देख सकते हैं, दशा के अनुसार आपको पता चलेगा कि ये 11वें घर में मेरा हो क्या रहा है ना, लाभ तो हो रहा है, लेकिन किस किस एरिया में मेरा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे पाइसिस पे, जो मीन राशि है, अंत का ये है। तो मैं पॉइंटर को यहाँ लेके आता हूँ। तो ये आपका लग्नेश है गुरु और दशमेश है, और 10वें घर में गुरु का गोचर हो रहा है, और वहां से गुरु जो है ये आपके दूसरे घर, चौथे घर और छठे घर को दृष्टि डालेगा। तो लग्नेश का 10वें में अपने स्वयं राशि में गोचर होना बहुत 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 ही अधिक शुभ माना जाता है ये। और गुरु जो है नैसर्गिक शुभ कारक है, तो इसके वजह से आपको जो प्रोमोशन वगैरह मिलने के जो आपकी संभावना है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लगे, अगर दशा आपकी बता रही है वो वैसी। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये 10वां घर में जो गोचर हो रहा है वो क्या देगा मुझे जिंदगी में, ये तो हजारों चीजें दे सकता है आपको। तो इसको देखने के लिए आप अपनी दशा दशा देखिए कि दशा क्या बता रही है। तो आपकी दशा अगर ये बता रही है कि आप 10वें घर के स्वामी की दशा चल रही हो, मतलब गुरु की ही दशा अगर चल रही है आपकी, गुरु की महादशा अंतर्दशा, तब तो ये एकदम वो कहते हैं ना, एकदम चप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा आपको। और अष्टम भाव अगर इसमें जुड़ रहा है, तो लॉटरी वॉटरी भी आपकी लग सकती है। और मान लीजिए आपका एकादश जो 11वां भाव है वो भी जुड़ गया उसमें, तब तो मतलब लाखों करोड़ों में आपको मिल सकता है लॉटरी, इनहेरिटेंस मिल सकता है ना, वो आपको फिर दूसरों के पैसे से आपको लाभ मिल सकता है, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, वैसी चीजों से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। फिर गुरु और शुक्र जो है, अगर इन दोनों की दशाएं चल रही है, और अगर ये छठे और 10वें से संबंध बना रही है, तो तब ये आपको प्राइज वगैरह दिलवा सकता है, प्राइज दिलवा सकता है, प्राइज मनी दिलवा सकता है आपको।
जैसे आप किसी जगह गए, कंपटीशन में आपको जीत हासिल हुई, तो बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है, प्राइज मनी। और इसके अलावा अगर गुरु और शुक्र 10वें और 11वें से संबंध बना रहे और उनकी दशा चल रही, तो बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिल सकता है, रिकॉग्निशन बहुत बड़ा। और अगर 9वां और 12वां घर भी आ रहा है तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो सकता है, वो दूसरे देशों में जाके आपको ऐसा हो सकता है पैसा मिले या अवार्ड मिले ना। और 5वां घर जुड़ रहा है तो कला से संबंधित अवार्ड मिल सकता है आपको। तो ऐसी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। और अगर आप के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए, नौकरी चालू कर सकते हैं आप। और अगर आपका 7वां घर भी एक्टिव हो रहा है तो आप बिजनेस पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं। अगर दशा में 7वां और 10वां घर आपका संबंध बना रहा है, या दोनों की अंतर दशा महादशा चल रही है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी के साथ। अगर शुक्र हुआ या गुरु या चंद्र या बुध हुआ, तो वो जिससे आप पार्टनरशिप करेंगे वो आपके उसी एरिया में हो सकता है, उसी संस्कृति का, उसी कल्चर का। और अगर शनि राहु केतु हुआ तो हो सकता है वो दूसरी संस्कृति का हो ना। तो मान लीजिए आप रहते हैं बंगाल में, आप बंगाली है, तो ऐसा हो सकता है किसी मराठी के साथ या किसी गुजराती या किसी तेलुगु के साथ आपको बिजनेस पार्टनरशिप में जाना पड़े। या ऐसा हो सकता है कि 12वां घर अगर जुड़ गया तो ऐसा हो सकता है कोई दूर देश से, किसी दूसरे देश के आदमी से भी आप जा सकते हैं पार्टनरशिप में, शनि राहु केतु अगर जुड़ जाते हैं उसमें तो। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप अपने बॉस को बता सकते हैं ये टाइम बहुत अच्छा है कि मुझे प्रमोशन चाहिए। और आपकी जो धनराशि उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर बुध की दशा चल रही है आपकी, और बुध 10वें घर में बैठा है, या बुध 10वें या 11वें घर में, या दूसरे या छठे में बैठा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं ना, एक से अधिक पैसा कमाने के जो आपके तरीके हैं वो मिल सकते हैं। जैसा आप YouTube में चैनल खोल सकते हैं, फिर आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे तरीके आजकल YouTube में दिखाई जाते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो वैसी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर तीसरा घर आपके दशा में जुड़ गया है तो आपको इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें है उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत ऊपर जाएंगे आप। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है ये, 10वें घर में आ रहा है। दशम स्थान जो है केंद्र में सबसे ताकतवर स्थान है, सबसे बलि स्थान है ये, तो ये भी 12 साल में एक ही बार होगा। तो आपको अपने काम या आपके बिजनेस या किसी भी तरह का धंधा जो आप कर रहे हो उसको और आगे लेके जाना है तो उसको लेके जाइए। जो भी चीजें आपको करनी है उसमें तो उसको करिए। और इस तरीके से आपके धनराशि में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होगा। और यहाँ से दूसरे घर को दृष्टि डालता है, मतलब आपका जो संचित धन है उसमें भी बढ़ोतरी होगा। और फिर चौथा घर जो है वहां पे भी दृष्टि डाला, छठे में भी दृष्टि डाला है। तो चौथा घर जो है आपको पता ही है, ज्ञान का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ी का भी है। तो अगर शुक्र आ गया तो गाड़ी ले सकते हैं, शनि या मंगल है तो हो सकता है आप घर ले ले। और छठा घर जो आप जानते ही है, ये आपके स्वास्थ्य का भी है और कंपटीशन का भी है। तो ये आपके सारे अर्थ त्रिकोण को ये एक्टिवेट कर रहा है गुरु। तो ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, पद प्रतिष्ठा नाम शोहरत कमाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो ये सारी चीजों को आप करिए। और जो भी अगर आप अपना जॉब छोड़ के कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। या तो आप अपने बिजनेस को और अलग अलग नए नए पार्टनर्स ढूंढ के आप उसमें और भी आप उसको और आगे लेके जा सकते हो। और अगर 9वां 12वां घर जुड़ गया तो आप फॉरेन में जाके वहां पे भी नौकरी कर सकते हैं, या फॉरेन जाके वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी दशा बता रही है अंत में वही आपके साथ होगा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मीन लगन वालों को।